लास्ट क्लास में मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दी थी आपको पेपर की, कि पेपर में है क्या. पहले तो नाम ही लिख देते हैं फिर से. क्या था? गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कॉम्प्लायंस एंड एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, जो इनविजिबल है. ठीक है. और सबकी अलग अलग वेटेज है. इसकी 50 मार्क्स, इसकी 20, इसकी भी 20, इसकी 10. ठीक. सबसे पहले हम गवर्नेंस वाला पोर्शन अपना स्टार्ट कर रहे हैं. और गवर्नेंस में भी मैंने आपको बताया था कि हमें, वी आर प्राइमा फेसी इंटरेस्टेड इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि गवर्नेंस में पहले देखते हैं गवर्नेंस का मतलब क्या होता है एंड हाउ इट इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड. उसी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कह देते हैं. कुछ ज्यादा वो नहीं है, लंबा चौड़ा. पहला टॉपिक है, आसान ही है. पहले आपको बस एक हल्का सा पहले गवर्नेंस का मतलब बताया हुआ. नीचे देखने लिखा होगा मीनिंग ऑफ गवर्नेंस. फिर वो लिखा भी है कि ओरिजिन इस वर्ड का कैसे हुआ, कि द रूट ऑफ दिस वर्ड गवर्नेंस लाइज इन अ ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड गुबरनेट. एक लैटिन टर्म है गुबरनेट, और वहां से इस गवर्नेंस वर्ड का मतलब गवर्नेंस इंग्लिश वर्ड ऐसे बना गुबरनेट वर्ड को यूज करके. और गुबरनेट वर्ड का मतलब पता है अगर आपको, वहां लिखा भी होगा नीचे, टू स्टीयर. अच्छा, स्टीयर मतलब डायरेक्शन, डिजायर देना, डायरेक्शन देना. जैसे व्हीकल के अंदर आपके गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग वर्ड भी यहीं से बने. स्टीयर का मतलब होता है किसी चीज को टू स्टीयर. टू स्टीयर मीन्स टू गिव डायरेक्शन, टू गिव कंट्रोल या टू गिव अ वे. अब स्टीयरिंग है, गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग होते हैं उसका काम क्या होता है, कि जिस डायरेक्शन में यू विल, जहां जिस डायरेक्शन में आप स्टीयरिंग को घुमा दोगे उसी डायरेक्शन में योर व्हीकल विल टर्न. लेफ्ट घुमाओगे तो लेफ्ट ही, राइट थोड़ी चली जाएगी. राइट घुमाओगे तो राइट ही जाएगी. पीछे करनी है तो अब रिवर्स करके पीछे करोगे. तो ये इसलिए उसका नाम भी स्टीयरिंग है, क्योंकि स्टीयरिंग का मतलब कि एक डायरेक्शन, कि जिस जगह पे उसको दे दोगे, जिस तरफ आप जैसा चाहोगे उसी तरीके से इसको वैसी डायरेक्शन मिलेगी. अब इसी तरीके से ये गवर्नेंस वर्ड जो है गुबरनेट से आया. गुबरनेट का मतलब होता है टू स्टीयर, टू गिव अ डायरेक्शन, टू अच्छा कंट्रोल भी कह सकते हैं उसको, कि जो बंदा जिसके हाथ में स्टीयरिंग है वही तो गाड़ी कंट्रोल कर रहा है. सिंपल सी बात, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहेगा उसी डायरेक्शन में वो लेके जा सकता है. तो जिसके हाथ में स्टीयरिंग है ही इज कंट्रोलिंग. तो सिमिलरली हम बोलते हैं कि गवर्नेंस, कि जिसके हाथों में गवर्नेंस है मतलब वो उस चीज को कंट्रोल कर रहा है. गवर्नेंस का मतलब ही होता है टू कंट्रोल. आप देखो टू स्टीयर, टू स्टीयर मतलब टू गिव अ डायरेक्शन, टू कंट्रोल, इस तरीके से. तो गवर्नेंस का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को रेगुलेट करना, किसी चीज को. अच्छा, गवर्नेंस वर्ड से गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट भी क्या करती है, रेगुलेट ही तो करती है. पूरा कंट्री किस तरीके से चलनी चाहिए, पूरा पॉलिसी क्या क्या बनानी चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मेजोरिटी माइनॉरिटी हर चीज को एक तरीके से लेके जाना, सबका साथ सबका विकास. तो कंट्रोल किस तरीके से कर रही, अब गवर्नमेंट भी तो क्या कर रही है, गवर्नेंस कर रही है. गवर्नेंस कर रही है मतलब हम सबको कंट्रोल कर रही है, हमारी कंट्री में लॉस जो है वो बना रही है. ऑल्दो लेजिस्लेटिव बॉडी का काम होता है लॉ बनाना, बट हाँ प्रोसेस स्टार्ट गवर्नमेंट करती है. तो कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है, एक डायरेक्शन दे रही है. अब जिस डायरेक्शन में गवर्नमेंट हमें लेके जाएगी, हम ऑब्वियसली, अब नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन कर दिया, उससे पहले हम थोड़ी इतना डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते थे, बट गवर्नमेंट ने अपने आप से सोचा कि नहीं, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने का टाइम आ गया और इट इज द राइट टाइम कि अब हम थोड़े कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाएं. तो गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट अगर डिमोनेटाइजेशन जैसा स्टेप नहीं लेती, हम इतना अभी भी कैश में हो सकते हैं, ज्यादा अभी भी करते हैं कैश में डील, बट अब काफी हद तक कम कर दिया बिकॉज ऑफ दिस पेटीएम मोबीक्विक, इतने सारे वॉलेट्स हैं जो इनका यूज गवर्नमेंट ने तो हमें सिखाया कि भैया उस वजह से. अच्छा हाँ, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हो चुकी है तो उस वजह से एक इनकरेजमेंट मिली कि हाँ करना चाहिए. तो उस उन्होंने डायरेक्शन दी, कंट्रोल वही कर रहे हैं. तो गवर्नेंस का मतलब ही मैंने बताया टू स्टीयर, टू गिव अ डायरेक्शन. तो जैसी डायरेक्शन वो देंगे उसी डायरेक्शन में हमारी पूरी कंट्री चली जाएगी. सिमिलरली अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अब हमें गवर्नेंस वर्ड को कॉर्पोरेट के एंगल से समझना है. द
तभी मैंने लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो मैंने बोला भी था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरली किसके ऊपर होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मैं प्राइमरली बोला सिर्फ इनके ऊपर नहीं होती, अभी बताऊंगा औरों के ऊपर भी होती है, बट प्राइमरली किसकी होती है? बोर्ड की. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ द अच्छा कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी लाइज इनटू द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो जिसके हाथों में कंपनी की बागडोर है, जिसने संभालना है सब कुछ, पैसा शेयरहोल्डर का लगा हुआ है, बट उसको संभाल कौन रहे? डायरेक्टर्स एजेंट्स हैं, वो सारा मैनेज वो कर रहे हैं, पॉलिसियां वो बना रहे हैं, स्टेप्स वो ले रहे हैं. उस वजह से तो सिंस अ कॉर्पोरेट इज गवर्न्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसलिए हम बोलते हैं एक सेकेंड. तो सिंस द हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एंगल से पढ़ रहे हैं तो कंपनीज कैसे गवर्न होती हैं? तो हाँ, जब सिंस द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी लाइज इन देयर हैंड्स, बोर्ड के हाथों में कंपनी की मैनेजमेंट है, तो इसीलिए जिस डायरेक्शन जो डायरेक्शन बोर्ड दे देगा उसी डायरेक्शन में पूरी कंपनी जाती है. तभी तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और इस पूरे 50 मार्क्स का जो पोर्शन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, उसमें सारी बातें ही हम 90% बोर्ड की करेंगे कि बोर्ड के अंदर ये होना चाहिए. जैसे लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैंने बताया भी था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए बोर्ड के ऊपर, कमिटीज होनी चाहिए, अलग अलग कंसेप्ट होना, वुमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, ये सारी बातों का, बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए फ्रीक्वेंटली, सब बताया था. उसका क्यों बात, बोर्ड की बात ज्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपकी है. क्योंकि अच्छा जो हमारी कंट्री की गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नमेंट के हाथों में है हमको रेगुलेट करना, इसलिए तो भैया गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हमें गवर्न करना. सिमिलरली कंपनी से केस में वो जिम्मेदारी किसकी है? बोर्ड की. क्लियर? बट हम गवर्नमेंट में भी कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती, वी एज सिटीजन्स ऑल्सो हमारी भी कुछ ड्यूटी है, कि हमें भी कुछ अपने ड्यूटीज होती है, कुछ फर्ज होते हैं जो पूरे करने चाहिए. सारी चीज हम उनके ऊपर नहीं ब्लेम कर सकते कि गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही, हमारे भी कुछ फर्ज है. लास्ट क्लास में बताया था राइट टू वोट, वोट देना, अपनी कंट्री की चीजों में पार्टिसिपेट करना, सारी ध्यान रखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. सेम कंपनी के केस में भी है कि प्राइम, तभी मैंने वर्ड यूज करा प्राइमरली, सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है? बोर्ड की. लेकिन ऐसा नहीं बोला कि ओनली ऑफ द बोर्ड, सिर्फ बोर्ड की नहीं है, बोर्ड के अलावा बाकी लोगों की भी है. वो बाकी लोगों में और कौन कौन आते हैं? हम लोग भी, शेयर होल्डर्स भी आते हैं, कि शेयर होल्डर्स की भी जिम्मेदारी है. सेम लास्ट क्लास में टर्म यूज करती बताना, बहुत बढ़िया, शेयर होल्डर एक्टिविज्म. कि शेयर होल्डर एक्टिविज्म का मतलब हाउ एक्टिवली द शेयर होल्डर्स आर इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट, कि मतलब वो कितना ध्यान दे रहे हैं कंपनी के अंदर, वोट करते हैं कि नहीं करते, मीटिंग्स अटेंड करते हैं कि नहीं करते, पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते. और ये नहीं कि नाम के लिए पार्टिसिपेट, कुछ क्वेश्चन रेस करते हैं मैनेजमेंट से कि नहीं करते, कुछ गलत हो रहा तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं कि नहीं उठाते. और जैसे हम नाम के लिए प्रोविजन दे दिए, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, कि आप इसकी एप्लीकेशन लगा सकते हो, कोई लगाता नहीं है, हार्डली कोई एप्लीकेशन होती है इन चीजों की जो जाती है, क्योंकि शेयर होल्डर अपनी राइट्स का ध्यान ही नहीं रखते. यही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा करके आप अपने लिए गलत कर रहे हो, क्योंकि उससे आपकी कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से नहीं हो रही. और ठीक है, आप ही की राइट्स पे असर आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसलिए हम ये इसी पूरे 50 मार्क्स के पेपर में यही पढ़ेंगे कि किस किस की जिम्मेदारी होती है कॉर्पोरेट को गवर्न करने में. ठीक, तो गवर्नेंस मतलब गवर्न करना, रेगुलेट करना. वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ? यहां से. और इसी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अप्लाई करें तो सो बात की एक बात, कैसे बोलेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ, कि किस तरीके से एक कॉर्पोरेट को मैनेज किया जा रहा है. व्हाट इज द जनरल ट्रेंड इन विच अ कॉर्पोरेट इज गवर्न्ड, हाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कंट्रोलिंग द कंपनी, हाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रेगुलेटिंग द कंपनी, इवन हाउ द लॉ इज रेगुलेटिंग द कंपनी. तो ये सारी चीजें हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रखते हैं. और इसी को लेकर देखो नीचे काफी सारी डेफिनेशन दी हुई है आपको, कि डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोई बड़ी बात नहीं, यही पूछ ले आपसे, 5 नंबर का क्वेश्चन बना ले, ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस गिवन बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स. तो वो नाम के लिए सबने अपने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, बट सबका मतलब एक तरीके का यही आ रहा है क्या, कि यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब किस तरीके से कंपनीज मैनेज की जा रही है या रेगुलेट हो रही है. बस ये आखिरी डेफिनेशन जरूर पढ़ना, जो कि वो किसने दी है, ICS ने, ये जरूर पूछेगा वो. और अगर पेपर में आ गया तो ये तो जरूर लिखना, ये नंबर 1 पे लिख के आना कि हाँ एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय इटैलिक में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. और बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है वैसे, और नो डाउट कि हाँ डेफिनेशन भी बड़ी अच्छी दी हुई है. तो खुद भी एक बार पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट,
एंड adherence टू ethical स्टैंडर्ड्स. ये सब क्यों कर रहे हैं? फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर. मतलब कहने के लिए तीन लाइन है, उसके अंदर आईसीएसआर ने सब कवर कर दिया. अलग अलग टॉपिक है, सब कुछ देखो. एप्लीकेशन ऑफ इन सब चीजों को अंडरलाइन भी कर लो. बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये अपने आप में बहुत वाइड सी टर्म होगी कि बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं. अभी बताऊंगा एक एक करके, अभी देख लेते हैं. बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, अच्छा क्या मतलब कि अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मतलब बोर्ड जो है वो अच्छी पॉलिसी बना रहा है, प्रैक्टिसेस जो काम कर रहा है अच्छे तरीके से कर रहा है. इसमें वही सब चीजें आ जाएंगी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, जैसे कि कंपनीज के अंदर बोर्ड मीटिंग्स जो है वो टाइमली होती है कि नहीं होती. ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं कि जितनी साल में रिक्वायरमेंट है चार बोर्ड मीटिंग करने की उतनी ही कर देते हो. एज एंड वेन द नीड अराइज तब बोर्ड मीटिंग होती है कि नहीं होती. अच्छा ऐसा करने से इट इज अ गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस. वही बात दिया हुआ है कि एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब इन सब चीजों का एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कि जितनी बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए उतनी हो रही है कि नहीं हो रही. सिमिलरली आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो एक तो होता है कि लॉ में इतने नंबर ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड परसेंटेज होती है कि मिनिमम 1/3 या हाफ इतने आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए. कौन कह रहा है इतना ही रखो, ज्यादा रख लो. इसका मतलब क्या होगा? यू आर कॉम्प्लाइंग द लॉ इन इट्स स्पिरिट ऑल्सो. तो वही बात दी हुई कि अच्छा अगर आप ज्यादा रख रहे हो इट इज अ गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस. आपकी कंपनी में 12 डायरेक्टर थे, लॉ ने बोला कि कम से कम 1/3 निकालो, कि जैसे मान लो 4 डायरेक्टर आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए. ठीक है, आपने कॉम्प्लाई कर लिया, आपने 6 रखे हुए हैं. यू आर फॉलोइंग अ गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, कि आप लॉ की स्पिरिट में जाके इसको कॉम्प्लाई कर रहे हो. ये सारी चीजें कहना कि इंटरलिंक्ड होती है. तो भाई इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, वो दिया हुआ है. फिर अगर कॉमा, कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, सेम यही बात. मतलब लॉ की लेटर में भी कॉम्प्लाई करना, उसको स्पिरिट में भी. और ये जो कंपनीज बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉलो कर रही होंगी वो कहीं ना कहीं ये कर रही होंगी ऑटोमेटिकली. जैसे यही बात होगी, 4 डायरेक्टर रखने हैं, 6 रखे हुए हैं. कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ इन इट्स लेटर ऑल्सो इन इट्स स्पिरिट ऑल्सो. 4 बोर्ड मीटिंग साल में करनी है, आप 6 करके बैठे हो, जब जब जरूरत पड़ी तब तब करी. You have complied the law in its letter also, in its spirit also. And adherence to ethical standards. अच्छा ethics की भी बात बीच में आ गई, क्योंकि compliance, governance और ethics हमेशा साथ चलेंगे. तभी आपके पेपर में भी सबका एक साथ ही पढ़ा रहे हैं कि governance और ethics दोनों साथ hand in hand चलती हैं. क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी ethically अच्छी है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर governance भी अच्छे से हो रही है. लास्ट क्लास में एथिक्स के ऊपर भी थोड़ा सा पढ़ा था. एथिकली अच्छे होने का मतलब मॉरली अच्छी है, कि लीगल एंगल तो अलग हो गया, और अगर आप मॉरली अच्छे हो तो 99% केसेस में जरूरी है कि हाँ आप लीगली भी अच्छे ही हो गए. क्योंकि जब आप मॉरली अच्छे हो, कि आप ये नहीं कि सिर्फ लॉ ने बोला तब ये काम करो. जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है और तो पता नहीं याद है कि नहीं, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, याद है? आप पढ़ते थे ऑप्शनल कंसेप्ट है, मैंडेटरी ऑप्शनल है, एकदम ऑप्शनल. स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का कंसेप्ट जो है इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल. कोई कंपनी रखना चाहे तो रख ले, नहीं रखना चाहे तो ना रखे. इंडिया में 99.99999% नहीं रखते, कोई रखता. कुछ कुछ कंपनीज है जो रखती है, इन्फोसिस इज वन अमंग देम जिसमें है ये कंसेप्ट कि हाँ उन्होंने एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी रखा हुआ है, तभी इन्फोसिस का नाम है आज की डेट में. अब ये जो कंसेप्ट है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, देखा जाए तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि हाँ छोटे शेयर होल्डर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव देयर रिप्रेजेंटेटिव एट द बोर्ड लेवल. डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट करेगा, और उसका ध्यान क्या होगा कि छोटे शेयर होल्डर की राइट्स को ध्यान रखना. ऑप्शनल कंसेप्ट है, लेकिन कोई रखता नहीं है. कौन इतनी सरदी ले, छोड़ना. जब वो और गलत भी नहीं कर रहे मैं बोलूंगा, क्योंकि जब शेयर होल्डर खुद अपनी राइट्स को लेकर थोड़ा जागरूक नहीं है तो कंपनी क्यों करे? कंपनी तब कहेगी ना यार हम तब किसी के लिए ध्यान दें जब वो खुद अपनी राइट्स को लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो. जब वो खुद ध्यान नहीं देता तो कंपनी कहेगी हमें क्या मतलब है. जब कहावत में बोलते हैं कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. जब आप अपने लिए खुद ही, अच्छा यही लाइन जो है ये लिमिटेशन एक्ट में भी चलती है, पढ़ के आए हो ना एग्जीक्यूटिव में, लिमिटेशन एक्ट 1963. क्या होता था उसमें? कि हर चीज को कोई लीगल एक्शन लेने का टाइम पीरियड, कि ये केस फाइल करना है तो 3 साल, जनरली 3 साल, 3 साल ही होता था सबका, कि 3 साल के अंदर केस फाइल करना है. अब ये क्यों दिया होता था? सेम लॉजिक यही है कि अच्छा 3 साल से ज्यादा बीत गए, मतलब आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया,
आप 10 साल बाद उठ के आयो एक्शन लेने, यहां भी मेरे साथ गलत किया था उसने, लॉ कहेगा एक तो आपको मतलब आपका केस एंटरटेन करना तो दूर की बात है, एक वो मारेगा जरूर आपको, क्योंकि अब आ रहे उठ के, 10 साल पहले हुआ था और अब आपको याद आ रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। आप अपनी राइट्स को लेकर जब खुद ही इतने जागरूक नहीं हो, अवेयर नहीं हो, वेल फाइनेंशियली या लीगली वेल ऑफ नहीं हो, क्यों आ रहे हो फिर हमारी मदद मांगने? हम भी आपकी मदद नहीं करने वाले। तो देखो हमारा कानून भी इसी तरीके से बना हुआ है, तो उसी की मदद करो जो खुद अपनी मदद कर रहा हूं। सेम विद द शेयर होल्डर्स कंसेप्ट, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का कंसेप्ट जो कंपनी रख रही है, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि वो एथिकली बहुत अच्छी है, कि हाँ वो कोई चीज ऐसी कॉम्प्लाई कर रही है जो मॉरली बहुत अच्छी है, कि हाँ करना चाहिए ऐसा, वैल्यू उससे पता लग रहा है कि वो अपने छोटे शेयर होल्डर्स की राइट्स को लेके कितनी ओवर प्रोटेक्टिव है, कितनी सेंसिटिव है। अब अगर वो एथिकली अच्छी है तो गवर्नेंस भी उसके अंदर अच्छी हो रही है। तो उसने देखो आईसीएस ने, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डेफिनेशन में सारी चीजों को कवर कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ एंड लेटर एंड स्पिरिट, एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स, मॉरल एंगल भी कवर कर लिया। उसके अलावा ये सब क्यों कर रहे हैं? फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि हाँ कंपनीज के अंदर एक तरीके से वेल्थ भी जो है वो इवन वे में डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब डिविडेंड वगैरह भी टाइम से दें, बोनस इशू भी लाएं, जो कि मैंडेटरी नहीं है लेकिन करो, एंड डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा साथ में सीएसआर को भी पकड़ लिया कि कोई कंपनी ये कर रही है तो अच्छा ये एक्चुअली है, इसकी वजह बता देता हूं। सीएसआर का सेक्शन नंबर बताना, बहुत बढ़िया 135, ये आप पढ़ के आयो सीएसआर सेक्शन 135, क्योंकि आप क्योंकि लॉ का पार्ट बन गया अभी है। ये कंपनी से 2013 की वजह से हुआ है, क्योंकि इट इज अ रिसेंटली फ्रेम लॉ, कंपनी से 2013, उससे पहले सीएसआर का कंसेप्ट मैंडेटरी नहीं था। इनफैक्ट इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू मेक दिस कंसेप्ट मैंडेटरी, किसी कंट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी चैरिटी करना कॉर्पोरेट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ इंडिया में है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमेशा हम कहते थे होना चाहिए भी, अब लेकिन अच्छा आपको पता भी है कि पेनल्टी कुछ ज्यादा नहीं है, पेनल्टी कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको इस बात का डिस्क्लोजर अपनी बोर्ड रिपोर्ट में देना पड़ता है। पढ़ा है ना कि सीएसआर आपके ऊपर सीएसआर लग रहा है, आपने नहीं करा तो फिर भी कोई पेनल्टी नहीं है कि आप डायरेक्टर जेल चला जाएगा या 3 लाख रुपए का फाइन, 5 लाख रुपए का फाइन, कुछ नहीं, सिर्फ आपको इस बात को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डालना है कि हाँ हमारे ऊपर सीएसआर के प्रोविजन लग रहे थे और हमने कॉम्प्लाई नहीं करे। बहुत अच्छा सेक्शन है कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए। एक तरीके से आपने चैरिटी करने पे मजबूर भी करा उनको, और ये भी सबको नहीं कर रहे, एक लिमिट होती थी कि अगर आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, नेटवर्थ इतनी हो, टर्नओवर इतना हो, तो आप अच्छी कंपनी हो तो आप सोच सकते हो समाज के लिए कुछ करने का, और अगर नहीं कर रहे तो भी कुछ हम आपको कंपेल तो कर नहीं रहे कि जेल डाल देंगे करो चैरिटी। चैरिटी ऐसी चीज भी नहीं है कि उसको किसी को गला पकड़ के थोड़ी करवाओगे कि यहाँ पे इस भिखारी को पैसे दे, हाँ इसमें वहां पे बाढ़ आई है वहां पे पैसे लगा, आपका मन है तो ही करोगे आप। अब जिसका मन नहीं है वो सीएसआर मैंडेटरी होने के बाद भी नहीं करती कंपनी, क्योंकि उनको पता है कि दिक्कत क्या है, ज्यादा से ज्यादा हम अपनी बोर्ड रिपोर्ट में लिख देंगे। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ ये पेनल्टी ज्यादा बड़ी पेनल्टी है, अगर आपके ऊपर कोई मॉनेटरी पेनल्टी लगा देते वो फिर भी ठीक है, ये पेनल्टी अपने आप में बड़ी पेनल्टी है। क्यों? कि आपकी इमेज के ऊपर सोचो कितना बुरा असर आएगा आप, और जब बोर्ड जनरल मीटिंग्स हो रही होती है ना, एजीएम खासकर एजीएम, उसमें डायरेक्टर्स अपने बारे में ये जो रिपोर्ट में लिखा होता है सब पढ़ते हैं, सोचे देखो कैसे बोल रहे होंगे, हमारे इस साल इतने प्रॉफिट्स हुए, हमारे इस साल इतना टर्नओवर था, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे एम्प्लॉइज बड़े सेटिस्फाइड है, हमने ये करा, हमने बोनस इशू लाए, हमारे ऊपर सीएसआर के भी प्रोविजन लग रहे थे लेकिन हमने 1 रुपया भी नहीं दिया, तो ये कितना अजीब लगेगा कि आप एक तरफ तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और जब चैरिटी करने की बात आई तो आप पीछे हट गए कि नहीं हम हमेशा बोलते कि सोसाइटी का भी ध्यान रखो, कोई ये नहीं बोल रहा आपसे, कंपल्शन नहीं कर रहा कि करो ही करो, बट आप इसी सोसाइटी के अंदर रह के सब कुछ पा रहे हो तो कुछ कुछ फर्ज आपके बनते हैं सोसाइटी के, कोई कुछ भी कह ले लेकिन मैं भी इस बात में मानता हूं कि हाँ आपका बनता है, क्योंकि सोसाइटी ही आपको जाने जाने में बहुत कुछ देती है, तो थोड़ा बहुत ही सही जितना आप कर सको उतना करना चाहिए सोसाइटी के लिए। तो आपने ही इसलिए पढ़ा हुआ है क्योंकि ये लॉ में अब आया है सेक्शन 135, ऐसा कोई सेक्शन कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं था। लेकिन आईसीएसई ने जो ये डेफिनेशन दी हुई है ये तब की दी हुई है, बहुत टाइम पहले की, क्योंकि गवर्नेंस तो आईसीएसई कब से पढ़ा रहा है, तो और आईसीएसई कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर बहुत सीरियस है, तो आईसीएसई ने जब ये डेफिनेशन दी थी उस टाइम पे सीएसआर मैंडेटरी नहीं था, लेकिन आईसीएसई अपने देखो डेफिनेशन से बताना चाह रहा है कि हम ये मानते हैं कि गवर्नेंस के एंगल से बड़ी अच्छी चीज है ये, कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट होना चाहिए, इसलिए आपको डेफिनेशन में दिख रहा है।
कि हाँ सोशल और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है जो इन कामों में एक्टिवली इंगेज्ड है कि प्रॉफिट भी कमा रही है एट द सेम टाइम सोसाइटी का भी ध्यान रख रही है. अच्छा जाहिर सी बात है गवर्नेंस अच्छी हो रही है उस कंपनी में सेम. अच्छा एथिकली भी अच्छा है काम, कोई आपको बाउंडेशन नहीं है बट स्टिल आप कर रहे हो, एथिकली भी अच्छी चीज है, इसी वजह से आप गवर्न भी अच्छे तरीके से हो रहे हो, लेटर ऑफ द लॉ भी कॉम्प्लाई कर रहे हो स्पिरिट में, सारी चीजें एक और ये बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी है, सब चीजों का एक मिक्सचर होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस. बस एक लास्ट लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब क्यों कर रहे हो? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. देखो टर्म भी बड़ी अच्छी यूज करी है, ऑल स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स नहीं, स्टेक होल्डर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. कौन सी वाइडर टर्म है? स्टेक होल्डर. क्यों? सारे कवर हो जाते हैं उसमें. स्टेक होल्डर का मतलब, स्टेक का मतलब क्या होता है? कि आपने, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट है, आपका कोई हिस्सा है कंपनी के अंदर. स्टेक आपका वो फाइनेंशियल स्टेक भी हो सकता है, वो कुछ भी तरीके का स्टेक हो सकता है. अच्छा क्या इंप्लॉइज आर ऑल्सो द स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी? उनकी जॉब स्टेक पे लगी होती है. क्या गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर होती है? वो भी होती है, कि वो भी सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं. क्रेडिटर्स भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जिन्होंने आपको पैसा दिया हुआ. शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर होते हैं. तो शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में वाइडर कौन होते हैं? स्टेक होल्डर, बिकॉज स्टेक होल्डर्स इंक्लूड शेयर होल्डर्स, बट उनके अलावा और भी लोग कवर्ड होते हैं, इंप्लॉइज, लोकल कम्युनिटी, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, ये सब होते हैं. और वर्ड क्या यूज करें? ये सब करो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. ये टर्म आप स्कूल लेवल में बड़ी पढ़ते थे, खासकर ज्योग्राफी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. पर यहां पे उस वाले एंगल का मतलब मैं निकालना, वहां पे एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते थे. मुझे भी अभी तक वो एक स्कूल में डेफिनेशन रटवाई जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ टुडे एज वेल एज कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. ये डेफिनेशन होती थी कि हाँ, वो अभी तक मेरे को भी पूरी मुंह जुबानी याद है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि उनकी आज आप यूज कर रहे हो, आज तो कर ही लो आप यूज, बट आने वाली जनरेशन के लिए भी उनको बचा के रखो. एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिजली, पानी, ये सब, लाइटें बंद कर दो, पंखे बंद कर दो, मतलब इस तरीके से ये सब चीजें बहुत पॉपुलर हो गई आज के दिन. इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मैं वो तो एक डेफिनेशन होगी जो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स में आप पढ़ते थे. वैसे जनरली समझ के देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप खुद इससे एक मतलब निकालो क्या निकल रहे हैं. अच्छा इसको इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझ लो चाहे. एक टाइम था जब ये कहते थे कि डेवलपमेंट करनी है तो डेवलपमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पार्ट को इग्नोर करना पड़ेगा. एक टाइम था ऐसा कि हाँ, जब गवर्नमेंट्स भी ये बात मानती थी, लॉ मेकर्स भी ये बात मानते थे कि हाँ अगर हमें प्रगति करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का पार्ट सेक्रीफाइस होएगा, और होने दो, हो रहा तो, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. सारे कहते थे ऐसा और गवर्नमेंट भी कहती थी, इसलिए कोई लॉ भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे इन्वायरमेंटल लॉस. बट अब आपको पता है सिचुएशन ऐसी नहीं है. अब एक टाइम ऐसा आ गया कि इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन. एक भैया सूरज भी जब सुबह उगता है तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है अभी भी सुधर जाओ वरना मैं अभी 6 साल बाद जीना मुश्किल कर दूंगा तुम लोगों का. क्योंकि इतनी कितने सब ग्लोबल वार्मिंग कितनी होगी, गर्मी कितनी होगी है, गर्मी में गर्मी ज्यादा, ठंड में ठंड ज्यादा, मतलब एक बहुत अजीब सी सिचुएशन आ चुकी है. तो वो अब सोचे देखो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले कहते थे कि हाँ डेवलपमेंट करनी है, इन्वायरमेंट पार्ट को सेक्रीफाइस भी कर लो. बट अब एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि अब ऐसा नहीं कर सकते अभी. और ये माना जाता है कि अगर ऐसी डेवलपमेंट आपने कर भी ली विच इज बीइंग डन एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, आपने नाम के लिए वो डेवलपमेंट कर ली, इट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन इन द लॉन्ग रन, वो टिकेगी नहीं. अच्छा तभी वहां से वर्ड बने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ऐसी डेवलपमेंट करो जिसके अंदर एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जा रहा है, ओनली देन इट विल बी एबल टू सस्टेन इन द लॉन्ग रन, तभी वो सस्टेन कर पाएगी. समझ लो, यहां से वर्ड बनते हैं कि और अब यहां वो तो एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बता दिया, अब यहां पे भी यही बात बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसी डेवलपमेंट कंपनी के अंदर आप प्रॉफिट्स अच्छे कमा रहे हो, डेवलपमेंट हो रही है, आपके रिजल्ट्स बड़े अच्छे जा रहे हैं, आपके एम्प्लॉइज आपसे सेटिस्फाइड है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, और आपकी मार्केट में इमेज भी बहुत अच्छी, वो एक मार्केट प्राइस आपका जो है शेयर का वो भी अच्छा चल रहा है, सब 100 बातों की एक बात है. बट अगर आप अपने अगर आप एथिकल बिहेवियर नहीं रख रहे अपना, अगर आप गवर्नेंस के नॉर्म्स अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, दैट डेवलपमेंट इज ओनली अ डेवलपमेंट फॉर नेम, वो आप सस्टेन नहीं कर पाएगी. अगर लंबे समय तक टिके रहने हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ध्यान रखना पड़ेगा. ये बात बोल, जैसे इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स में जो हमारी दिल्ली मेट्रो है वो बड़ा, उसको बहुत अच्छा अच्छे वे में इंकरेज किया जाता है कि डीएमआरसी जो है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन,
उसने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करी है. क्यों? अच्छा जाहिर सी बात है, मेट्रो जब बनती है कोई एक लाइन भी हम नहीं शुरू करते हैं तो कितने, अच्छा कितने लोगों को, कितने लोगों की जमीनें छीनी जाती हैं कि हाँ यहाँ पे अब मेट्रो का रूट बन रहा है, या कितने लोगों, या कितने पेड़ काटे जाते हैं खासकर क्योंकि वहां से रूट निकालना है, ऑब्वियसली तो पेड़ काटने पड़ेंगे. तो देखा जाए तो इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट करनी भी जरूरी है. मेट्रो क्या पता है कि कितना आसान हो गया सब कुछ मेट्रो की वजह से, जरूरी भी है डेवलपमेंट करना, बट इट इज बीइंग डन एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. ये गलत है. पहले इस पे इग्नोर कर दिया जाता था, लेकिन डीएमआरसी ने भी इस बात को इग्नोर नहीं किया. उसने बोला कि, और आप डीएमआरसी का अगर आप ये उनकी वेबसाइट से भी देखोगे तो उन्होंने खुद, आजकल हर कंपनी खुद से प्रमोट भी करती है इन चीजों को कि ओवर एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स, कि हमने किन किन बातों का ध्यान रखा. वहां पे भी वो लिखते हैं कि हाँ हमारे मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर इतने पेड़ हमने काटे थे, लेकिन उसके डबल हमने लगाए भी हैं दिल्ली के अंदर, ताकि हमें पता है कि पेड़ काटने की वजह से जो एयर पोल्यूशन हो सकता है, यहाँ जो सारा प्रोसेस है वो एक जो इतनी सारी चीजें होती है, एयर पोल्यूशन होगा उससे वगैरह वगैरह, तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंस पता है. इसी बात को ध्यान रखते हुए हमने एफॉरेस्टेशन भी करी कि प्लांट्स ट्रीज उगाए भी हैं और जितने काटे उसके डबल उगाए हैं. समझ आ रहे? तो अब ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तभी दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सक्सेसफुल गया कि हाँ. और अगर आपको पता भी हो, मेट्रो हर इतनी सारी कंट्रीज में मेट्रो का कंसेप्ट है बट चला नहीं. इंडिया इज वन सच कंट्री, उसमें दिल्ली मेट्रो बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट स्टेज को इम्प्लीमेंट हमने किया और सक्सेसफुल मॉडल है और वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर फॉर एनी गवर्नमेंट, कि हम मेट्रो का जो कंसेप्ट है. तो एनीवे, तो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो ICSA की जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, क्योंकि इसने अपनी डेफिनेशन में हर एंगल को कवर कर लिया. और फिर से पूरी डेफिनेशन पढ़ दो तब आपको और अच्छे समझ आएगी. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, एंड अधेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. मतलब कहने के लिए तीन लाइन है, बट उसमें वर्ड्स ऐसे ऐसे यूज करें कि उनके अंदर खो सकते हो आप. मतलब तीन घंटे की डिस्कशन भी कम है उन चीजों के ऊपर, कि इतनी डिटेल. सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी टर्म यूज कर ली, एथिक्स जैसी टर्म यूज कर ली, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट, स्टेक होल्डर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये सात आठ टर्म जो यूज करी है वो सारी ऐसी कि अपने आप में बहुत वाइड टर्म, इनकी स्कोप बहुत बड़ी. और हाँ, बाकी सब डेफिनेशन तो नाम के लिए दी हुई सबने, लेकिन पढ़ लेना पेपर के लिए. बट हाँ, ICSA वाली डेफिनेशन तो जरूर ही पढ़ना, और सबसे पहले इसी को छाप के आना कि हाँ भाई, एज पर द डेफिनेशन ऑफ ICSA, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस, क्योंकि ICSA का विजन ही यही है कि ये सारे काम करवाने किससे? कंपनी सेक्रेटरीज. क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जैसे ही जिक्र हो, ICSA का लास्ट क्लास में बताया था कि विजन ही यही है कि सबसे पहला प्रोफेशनल जो दिमाग में आए वो आए कंपनी सेक्रेटरी. आगे आपको बस ये सेलियंट एडवांटेजेस ऑफ, अच्छा इसको छोड़ो एक बार, एडवांटेजेस, और अगले पेज पे नीड दी हुई है, इन सबको एक मिनट छोड़ो, इस पे आओ. एलिमेंट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये टॉपिक देखो एक बार, क्योंकि इससे अपने आप समझ आ जाएगा वो. एलिमेंट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और इसमें क्या दिया हुआ है? अच्छा, अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसे कहते हैं, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, घुमा फिरा के कंसेप्ट वही है जो हम इधर से बोले जा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, वो होने चाहिए. बट ICSA ने, और आपको आप समझ आ गया हो कि लिखना इसी तरीके से, अगर एक क्वेश्चन आ गया, ब्रीफली डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारे लिख के आ जाओ. अगर एज इट इज तो 15 है, इतने पूरे भी लिखने, अगर 6-7 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो उतना ही लिख के आना, कि 7-8 लिख दिए, ज्यादा नहीं. बट हाँ, अगर वही कोशिश करना जो ICSA ने लिखे हुए उसी डायरेक्शन में लिखोगे तो मार्क्स की स्कोप थोड़ी ज्यादा होती मिलने की. क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे हम कहेंगे कि हाँ इस कंपनी के अंदर अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस चल रही है, वो दिया हुआ है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. एक एक करके पढ़ते हैं सीधा. अच्छा, सबसे पहला बताने की जरूरत नहीं, रोल्स एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड, वही मैंने जो अभी बार बार बोल रहा हूं कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, बोर्ड की. तो जितने अच्छे से बोर्ड परफॉर्मेंस कर रहा है और जिस तरीके से बोर्ड, अच्छा एक कंपनी के बोर्ड पे ही सारे चोरों चक्के भरे पड़े हैं, तो उसको हम क्या, विजय किंग फिशर को कभी भी इस नजर से देखा जा सकता है क्या कि हाँ ये अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी? नहीं. क्या नीरव मोदी किसी कंपनी में कल को डायरेक्टर बन जाए, क्या उस कंपनी को ऐसी नजरों से कभी कभी भी देखा जा सकता है कि इट इज अ कंपनी विद गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस? नो.
तो ऑब्वियसली, लेकिन आप मिस्टर नारायण मूर्ति जैसे लोग या ऐसे जो यहाँ आप कितने भी ऐसे मतलब जो ब्रांड मतलब थोड़े ऐसे लोग, केतन पारेख या लव यो सॉरी मिस्टर दीपक पारेख, सॉरी केतन पारेख तो बहुत बड़ा स्कैम कर रहा था, मिस्टर दीपक पारेख, तो दीपक पारेख या फिर इस तरीके के नारायण मूर्ति, रतन टाटा, इन जैसे लोग अगर आपकी टॉप मैनेजमेंट में हैं, ऑब्वियसली अपने आप से पता लग रहा है कि एक अच्छी गवर्नेंस वाली कंपनी, हाँ दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि बोर्ड पे आपके कैसे लोग हैं। उसके आपको दूसरा नंबर पे दिया हुआ लेजिस्लेशन, अरे ये भी ध्यान से देखना, ये क्या लेजिस्लेशन का मतलब, लेजिस्लेशन लेजिस्लेचर का मतलब जो लॉ बनाता है, लेजिस्लेशन वही लॉ जो लेजिस्लेचर बनाता है, लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन का मतलब लॉ, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है उसको बोलते हैं लेजिस्लेशन। अब कंपनीज है 2013 इज अ लेजिस्लेशन, मतलब लेजिस्लेशन का मतलब लॉ स्टैट्यूट। अब हम ये बोल रहे हैं कि अच्छा ये पॉइंट कैसे कवर हो रहा है इसके अंदर, एलिमेंट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दिया हुआ है लेजिस्लेशन लॉ, एक्चुअली क्या इसके अंदर दिया क्या हुआ है, जो मैंने अभी आपको बात बोली कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कंपनी के ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ये मॉड्यूल तो आईसीएस ने तैयार किया, आईसीएस आपको ये बताना चाह रहा है कि सिर्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं होती, बोर्ड के अलावा औरों की भी जिम्मेदारी होती है। जैसे एक हमने बोला शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी होती है कि जितने अच्छे तरीके से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी पता लगता है कि कंपनी कैसी है गवर्नेंस वाइज। एट द सेम टाइम आईसीएस ही बोल रहे हैं कि सिर्फ इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक कंट्री का लॉ कैसा है इसके ऊपर भी काफी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर उस कंट्री का लॉ ही बहुत स्ट्रिक्ट है, उस कंट्री का लॉ थोड़ा ऐसा है कि वो छोटे शेयरहोल्डर्स की राइट्स को लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि इंडिया में अभी तक बोला जाता है कि कंपनीज एक्ट 1956 जो था वो इतना कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं था, और बहुत ओपनली इस बात को बोला जाता था कि हाँ कंपनीज एक्ट 1956 ना इतना कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। क्यों स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, क्योंकि अभी वाला नहीं बोल रहा, 2013 इज अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ, और इसलिए तो लाए हैं क्योंकि ऐसे लॉ की जरूरत थी जो बहुत सीरियसली कॉम्प्लाई कराए। कंपनीज एक्ट 1956 क्या था, कोई प्रोविजन डाल दिया उसकी कॉम्प्लायंस नहीं करी, पेनल्टी क्या होती थी, 500 रुपए, 1000 रुपए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50,000 रुपए। क्यों, क्योंकि 1956 के टाइम का बना हुआ लॉ था, प्लस ना अमेंडमेंट आती थी ज्यादा, कोई प्रोविजन नाम के लिए दिए होते थे कि ये, जैसे अगर आपको पता भी हो कंपनीज एक्ट 2013 जब से आया है प्राइवेट कंपनीज के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, कि पहले ऐसा नहीं था, कंपनीज एक्ट 1956 जब तक था प्राइवेट कंपनीज मजे में रहती थी, ये आराम से इतनी प्राइवेट कंपनीज थी जो बना के बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं हो रहा बट प्राइवेट कंपनीज बना के रखी हुई हैं, और क्योंकि उनको कंपनीज एक्ट के बड़े सारे प्रोविजन से एग्जेम्पशंस होती थी। बट जब से एक नया कंपनीज एक्ट आया उनमें से 90% एग्जेम्पशन हटा दी, कि नहीं प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी सारे लॉ लगेंगे जैसे एक पब्लिक कंपनी या नॉर्मल कंपनी के ऊपर लगते हैं, प्राइवेट कंपनी को कोई छूट नहीं मिलेगी। अच्छा इस ऐसा करने से हम कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि हमारा लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, एक तो ये कर दी कि प्राइवेट कंपनीज के ऊपर कंडीशन बहुत लगा दी, एट द सेम टाइम ये भी कर दिया कि अगर किसी भी कंपनी ने वायलेशन करी किसी प्रोविजन की उनकी पेनल्टीज बहुत बढ़ा दी है, पेनल्टीज है 10 टाइम्स इंक्रीज कर दी है पेनल्टी, कि अगर 50,000 रुपए की पेनल्टी थी 5,00,000 रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। मतलब पेनल्टी का मिनिमम अमाउंट भी देखेंगे तो 1-1.5 लाख होता है, कि अभी पर डे 5,000 की पेनल्टियां लग रही हैं, पहले पर डे 100 रुपए की पेनल्टी लगती थी ऐसा होता था, अब पेनल्टियां बहुत ज्यादा कर दी हैं। अच्छा पेनल्टीज को ज्यादा करने से भी कहीं ना कहीं हम ये इंडिकेशन देने कि हमारा लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, और लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, फॉर्म फाइलिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा डाल दी है। आप तो कंपनी में पढ़ ही चुके होंगे एग्जीक्यूटिव में एमजीडी 14 सुना होगा कि जब भी एसआर पास होता है एमजीडी 14 जाना है, लेकिन सिर्फ एसआर में नहीं और भी बहुत सारे केस होते हैं जिसमें एमजीडी 14 फाइल करते हैं। ये मतलब ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो अब मैंडेटरी कर दिए फाइल करने, पहले ऐसे कुछ नहीं होते थे या होते भी थे तो जस्ट फॉर नेम सेक, अब छोटी छोटी चीजों के लिए फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा हो गई हैं, फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे, इंटीमेशन देनी पड़ती है, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है, डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, ये सारी चीजें क्यों हुई हैं, क्योंकि लॉ स्ट्रिक्ट हो गया। और जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट एक कंट्री का लॉ होगा हम बोलेंगे कि इट इज अच्छा, अगर किसी कंट्री का लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है इट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हम बोलेंगे कि हाँ इस कंट्री के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लेवल्स अच्छे हैं। लेकिन अगर लॉ ही ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, लॉ ही नाम के लिए बनाया हुआ है, तो वहां पे आप जब आप जो रेगुलेटर्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, सेम जो बात उसके लिए ले लो आप इन्वायरमेंटल लॉस को लेकर,
इन्वायरमेंटल लॉ में क्यों बोल रहा हूं बार बार, जैसे अभी मैंने बताया थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह, पहले कंसिडर करा जाता था कि हाँ डेवलपमेंट करनी है तो इन्वायरमेंट को इग्नोर कर दो. क्यों? क्योंकि रेगुलेटर जो है हमारे वो भी इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देते थे. वो कहते थे कोई बात नहीं, इन्वायरमेंट का पार्ट इग्नोर हो भी गया कोई दिक्कत नहीं, पेड़ काट रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, काट लो. लेकिन अब आप करके देखो, एक बॉडी सुनिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ये बॉडी कितने टाइम से काम कर, वैसे ऑल्दो ये एक एक्ट है एनजीटी एक्ट 2010 में ये बॉडी बनी, उससे पहले ऐसी कोई बॉडी नहीं थी. और जब से ये बॉडी बनी है तब से लेके इन्वायरमेंटल लॉस को लेके सीरियसनेस हुई है कि हाँ हमें थोड़ा सुधरना पड़ेगा. अब अच्छा अब देखा करो दिवाली पे, पहले क्या होता था कि दिवाली पे यूं बम फूटते थे, अभी भी ऐसे जलाने वाले अभी भी जलाते हैं, बट एनजीडी ने कितनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, खासकर इन स्टेट लाइक दिल्ली, इन यूनियन टेरिटरी लाइक दिल्ली खासकर बोले थे कि यहां पे अब यहां पे सेल बैन कर दी है, बम फोड़ना भी मना करा हुआ कि भाई एक लिमिटेड हद तक जलाने हैं, और पूरा बैन किया हुआ कि कोई क्रैकर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, क्योंकि उस उन दौरान दिल्ली क्या बन जाता है आपको ही पता है कि यहाँ मुंह पे वो रख के सारे मास्क लगाकर आ रहे होते हैं, और गैस चैम्बर की तरह बन जाता है दिल्ली. और है सिचुएशन वो एक दो हफ्ते जो है वो बड़े अजीब से निकलते हैं कि दिवाली से दो तीन दिन पहले से लेकर दिवाली के अगले दो हफ्तों तक, क्योंकि वो देखना बंद हो जाता है कुछ कि वो फॉग और स्मॉग मिक्स हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है कि इतना पॉल्यूशन हो जाता है. एनीवे तो अच्छा ये क्यों है कि इन्वायरमेंटल लॉज इतने स्ट्रिक्ट हो गए, क्योंकि एनजीडी स्ट्रिक्ट हुआ है. और जब एक कंट्री का रेगुलेटर स्ट्रिक्ट हो जाए अपने आप वहां पे अच्छा अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होने लग जाएगी. सेम ही बात बोल रहे हैं कि जो कंपनी सेक्टर का यही हाल है कि कंपनी सेक्टर पहले इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, बट अब जब से वो स्ट्रिक्ट हुआ है तब से हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स भी क्या हो गए, बढ़ गए. तो मतलब कहने का मतलब सिर्फ बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, सिर्फ शेयर होल्डर की भी नहीं है, रेगुलेटर्स की भी है. रेगुलेटर को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, लॉ मेकर्स को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. अच्छा मैनेजमेंट एनवायरमेंट कंपनी, आप बताने की जरूरत नहीं आपकी कंपनी के अंदर पॉलिसीज कैसी चलती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है, मैनेजमेंट का एनवायरमेंट कैसा है, उससे भी डिपेंड करता है. बोर्ड्स, अच्छा ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट एक जैसा ही है, बोर्ड स्किल्स और बोर्ड अपॉइंटमेंट्स. क्या मतलब? उनकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से हो रही है, और फोर्थ पॉइंट लिखा बोर्ड स्किल्स कि whether they are acquiring those skills which are required or not, उनकी expertise है भी या नहीं. पर चले अच्छा एक कंपनी एक्ट में आपने एग्जीक्यूटिव में टॉपिक पढ़ा होगा, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी एनआरसी, मतलब ऑल दो चाहे वो रट्टे बट्टे मार के इग्नोर कर देते हो उस टॉपिक को कि यार ये बोरिंग टॉपिक है, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, फिर LODR में और पढ़ी होंगी, विजिल मैकेनिज्म, ये सब अब इनको हटा देते हो यार ये बोरिंग से टॉपिक है. लेकिन क्वेश्चन पूछते थे इनमें से बहुत कि ऑडिट कमिटी से फेमस फेवरेट क्वेश्चन होता है ICSE का, सालों से सदियों से ICSE का फेवरेट क्वेश्चन है ऑडिट कमिटी. कभी नहीं हो सकता कि ऑडिट कमिटी ना पूछे, हमेशा आपके में भी हो सकता है आया ही होगा, आपको ध्यान नहीं होगा पेपर में आया है वो हमेशा. तो जो नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी होती है उसका काम क्या होता है? बोर्ड पे, मतलब बोर्ड भी नहीं टॉप लेवल पे, कि यहां सीनियर मैनेजमेंट जो है ये नॉमिनेशन रेमुनरेशन, देखो नाम से पता लग रहा है नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन, एक कमिटी बनाई हुई है जिस कमिटी का काम ही यही है कि ये देखना कि कंपनी की टॉप मैनेजमेंट पे जो लोग अपॉइंट हो रहे हैं, जैसे बोर्ड लेवल पे या जनरल मैनेजर लेवल पे, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे, सीईओ लेवल पे, जो बोर्ड का पार्ट नहीं है बट स्टिल बहुत बड़े लेवल पे, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह, और बोर्ड में है तो ऑब्वियसली बड़े, सब इससे बड़े ऊपर कहां जाओगे. तो इस लेवल पे जो लोग अपॉइंट हो रहे हैं, द पर्सन्स हु आर बीइंग नॉमिनेटेड इन दिस कैटेगरी या इन दिस पोजीशन, वो वेदर दे आर फिट एंड अप्रोप्रिएट फॉर दिस पोस्ट और नॉट, और उसके लिए ये कमिटी जो है ये पॉलिसी बनाती है जिसको बोलते हैं नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन पॉलिसी. कमिटी का नाम है नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी, जो पॉलिसी बनती है उसका नाम है नॉमिनेशन रेमुनरेशन पॉलिसी. और उसके अंदर क्या लिखा होता है कि हाँ हमारी कंपनी के अंदर बोर्ड लेवल पे अगर किसी को अपॉइंट होना है उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए. जैसे लीगल डायरेक्टर बनाना है उसको, डायरेक्टर लीगल, उसको ही मस्ट बी एन LLB, ही मस्ट बी ए कंपनी सेक्रेटरी, ही मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 years, ही मस्ट बी दिस, ही मस्ट बी दैट, ये होना चाहिए, ये एसेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, उसकी बोलने चालने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए वो, इस तरीके से. अब पहले तो नॉमिनेट की, तभी ये बंदा एलिजिबल होगा. फिर अगर ये अपॉइंट हो गया तो इसकी रेम्यूनरेशन कितनी होगी,
और रेमुनरेशन ये नहीं कि कुछ भी उसके अपॉइंट होने के बाद देख लेंगे, एक पहले से एक आइडिया कि हाँ इसकी रेमुनरेशन इतनी हुआ करेगी, एक तरीका दे दिया कि किस तरीके से रेमुनरेशन डिसाइड करी जाएगी कि हाँ जितनी इंडस्ट्री में है उतनी मिलेगी यहाँ। ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि जैसे जो बड़ा कॉमन टर्म है कि जो बोले जाते हैं कि हाँ कि ये अप्रोच लगा के जो बंदे आ जाते हैं कि हाँ भाई जो जो आप बहुत प्रैक्टिकली खुद एक्सपीरियंस करोगे, जब आप सीएस कंप्लीट कर लोगे जॉब के लिए जाओगे, अब देखोगे आपका इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ, ये बड़ा अच्छा हुआ, मेरा जो इंटरव्यूअर था वो मेरे से बहुत खुश था, एंड में आप शॉर्टलिस्ट नहीं होगे। क्यों? क्योंकि कोई बंदा होगा जो वहां की कंपनी के एचआर को जानता होगा और उसने उसके भतीजे ने कोई नई नई सीएस करी होगी और उसको वो पोस्ट मिल गई। अब वो यार ये और क्या कर लोगे, किस कुछ बोल नहीं पाओगे आप, क्योंकि खुंदा उस टाइम बस खुंदा ही आएगी कि यार रिजर्विंग मैं हूं और जॉब इसको मिल गई, लेकिन क्योंकि उसकी अप्रोच है और ये चलती है बहुत। तो सोचो जब आपके लेवल पे चल रही है तो टॉप लेवल पे तो कहां कहां तक चलती होंगी, इतने पैसे खिलाते होंगे कि हाँ भाई हमें डायरेक्टर लेवल पे आना है, होता यही है। या तो आउट ऑफ फैमिली रिलेशंस उनको अपॉइंट कर देते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, वो कोई बंदा उसने एलएलबी नहीं करी हुई ना उसने सीएस करी हुई है, फिर भी वो डायरेक्टर लीगल है, ऐसे बना देते हैं कि नकली डिग्री दिखा दी या डिग्री दिखाई भी नहीं फिर भी क्योंकि वो एमडी का बेटा है इसलिए उसको लीगल डायरेक्टर बना दिया, फाइनेंस डायरेक्टर बना दिया। तो लेकिन अच्छा अगर ऐसा हो रहा है ये गलत है, तो यही इस कमिटी का काम होता है और यही बोल रहे हैं कि बोर्ड स्किल्स बोर्ड अपॉइंटमेंट्स, ये देखना कि ऐसे ही बंदे अपॉइंट हो रहे हैं जो डिजर्विंग हो और वही बंदे अपॉइंट हो रहे हैं जिनकी स्किल अच्छी हो, वो आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, उन्हीं को अपॉइंट अगर किया जा रहा है कंपनी में ऑन द पोस्ट ऑफ डायरेक्ट ऑन द बोर्ड लेवल। अच्छा इसका मतलब आपकी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स अच्छे हैं उस सेंस में भी, क्लियर। और लास्ट में हमने तो इसके आगे और पढ़ा था एक स्टेप आगे जाके, बोर्ड डाइवर्सिटी टॉपिक पढ़ाया था, क्या था? बिल्कुल यार भूल भाल जाते हो तुम लोग, बोर्ड डाइवर्सिटी कि देर शुड बी अ वेल डाइवर्सिफाइड बोर्ड, कि बोर्ड के ऊपर आपके लीगल फील्ड के भी बंदे हैं, फाइनेंस के भी हैं, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, कितनी फील्ड होती है, तो हर फील्ड के कुछ कुछ लोग हैं ताकि एक फील्ड का एक अकाउंटेबिलिटी भी आती है इससे कि हाँ ये बंदा इस चीज के लिए जिम्मेदार है। अब लीगल डायरेक्टर को फाइनेंस मैटर्स के लिए आप ब्लेम नहीं कर सकते, फाइनेंस वाले को लीगल के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, बट लीगल वाले को लीगल के लिए तो ब्लेम करोगे ना, तो एक जिम्मेदारी भी आती है कि हाँ इसकी जिम्मेदारी थी तो इसको देखने का, तो ये भी एड करके लिखना, लिख देना, बट कोई जरूरत नहीं है, जितने ये पॉइंट है उतने ही लिखना। अगला बोर्ड इंडक्शन एंड ट्रेनिंग। अच्छा इंडक्शन मतलब, हाँ इंडक्शन मतलब, हाँ लेकिन इंडक्शन मतलब, अच्छा मुझे लग, अच्छा आपके उसमें से हट गया एक्चुअली, क्या कि आप सीएस वाला भी हमारा कोर्स है वो एसआईपी कराता था पहले, अब तो नहीं होती ना स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, अब नहीं होती होगी, अगर आप होती तो आपको पता लग जाता, मतलब आप हाँ यहाँ कुछ तो बोल देते, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे या एग्जीक्यूटिव लेवल पे करनी होती थी एसआईपी, बहुत सारी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स होती थी जो आईसीएसआई कराता था पहले, अब सब एग्जेम्प्ट कर दिए, तो एसआईपी का फुल फॉर्म होती थी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। इंडक्शन का मतलब होता है कि ट्रेनिंग देना, जान पहचान करवाना इस माहौल से किसी को, अगर हम कह रहे हैं कि हम इंडक्शन प्रोग्राम करवा रहे हैं, इंडक्शन प्रोग्राम जैसे स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम ये कब कराते थे, ये कराते थे ताकि एक बच्चा जो सीएस में आया है बिगिनर लेवल पे फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव में स्टार्टिंग में करनी मैंडेटरी होती थी, फाउंडेशन लेवल पे वो बच्चा सीख रहा है कि अच्छा इस कोर्स में है क्या, आई एम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू दिस कोर्स, और उसमें आईसीएसए के राजेंद्र प्लेस में जाके एनआईआरसी में या कहीं भी जो वहां पे भी आपके घर के पास हो वहां पे जाके आपको अटेंड करना होता था 7 दिन का प्रोग्राम, और उसके अंदर तो होता कुछ नहीं था, वो भी मजे मुझे मस्तियां ज्यादा होती थी, लेकिन हाँ जैसे अभी भी होती है एमएसओपी, जब आप प्रोफेशनल क्लियर करोगे तो एमएसओपी होती है, एमएसओपी में भी यही है कि बच्चे को अब वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, तो अलग अलग एनीवे, तो उसमें भी यही समझाते हैं कि अब आप और एमएसओपी करनी होती है जब आप सीएस क्लियर कर लेते हो, अब आप होने ही वाले आपका लेवल आने वाला है, बोला प्रोफेशनल में आप आई गए, तो जब आप क्लियर कर लोगे सारे ग्रुप्स फिर आपको एमएसओपी करनी पड़ेगी कि हाँ अब हम सीएस बन चुके हैं और अब हम इस लाइन में इंडस्ट्री में एक्चुअली कदम रखने वाले हैं, तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। इंडक्शन में आपको बिगिनर लेवल पे समझाया जा रहा था कि इस कोर्स के अंदर क्या होगा और आपका काम क्या है, कि छोड़ना है तो अभी भी छोड़ दो क्योंकि जिम्मेदारियों वाला कोर्स है ये ऐसा है, तो ये सब, लेकिन वो कहने के लिए इंडक्शन प्रोग्राम होता था, वहां पे गेम्स खिलाते थे आईसीएसआई के जो लोग, एमएसओपी में भी यही होगा, आप जाओगे एमएसओपी में कोई काम की बात नहीं करेंगे वहां पे, बट मस्तियां ज्यादा होंगी, ये गेम खिलवा रहे हैं नाम के लिए, पूरा दिन आपका वेस्ट जाएगा, और हमें याद है मतलब मैं तो जाता गया भी नहीं था एसआईपी एमएसओपी में, वो नाम के लिए
कि यहाँ सुबह गया और अटेंडेंस लगवा दी, उनको कुछ जुगाड़ वगैरह से सेटिंग करवा ली कि यहाँ आना ना पड़े यहाँ पे, तो टाइम वेस्ट होता है, बेफिजूल की चीज है। अभी उसको मजे मुझे मारने उसके लिए बेस्ट है कि 7-8 दिन चलो दोस्ती यारी का माहौल बन गया, गप्पे मार रहे हैं, लेकिन उसको और काम है साथ में वो कह रहे हैं इसके लिए कौन टाइम वेस्ट करे अपना। बट हाँ चलो जो भी है, तो इंडक्शन का मतलब इंट्रोडक्शन करवाना। अब बोर्ड इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, इसका मतलब क्या होगा कि बोर्ड लेवल पे कोई बंदा डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, ये खासकर पॉइंट दिया हुआ है पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के लिए। पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं ना जनरली, आपको अगर पता हो कि वो बड़े सीनियर लोग होते हैं ये, क्योंकि पार्ट टाइम में से ही इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी कोई फुल टाइम हो सकता है क्या? हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव या पार्ट टाइम डायरेक्टर होगा। तो क्योंकि वो लोग बहुत सीनियर लोग होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। पार्ट टाइम डायरेक्टर आप किसको बनाओगे? जो ऑलरेडी किसी चीज में एक्सपर्ट है और उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है आपको, तो तभी आपने उसको पार्ट टाइम डायरेक्टर बना दिया कि सर आप लीगल फील्ड के, जैसे कोई बहुत फेमस लीगल एक्सपर्ट है, लॉयर है बहुत फेमस, अब कहने के लिए वो लॉयर है, बहुत फेमस क्रिमिनल लॉयर, जैसे राम जेठमलानी, सुना होगा सबने, तो मिस्टर राम जेठमलानी इज अ वेरी बिग कॉर्पोरेट क्रिमिनल लॉयर, इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर है। लेकिन हाँ वो बहुत सारी कंपनीज में पार्ट टाइम डायरेक्टर भी है, अब फुल टाइम नहीं बन सकते क्योंकि उनका लीगल प्रोफेशन अलाउ नहीं करेगा, वो कहेंगे मैं फुल टाइम तो केस लड़ता हूं तो मैं यहां पे थोड़ी आ जाऊंगा आपकी कंपनी में डायरेक्टर बन जाऊं। पार्ट टाइम बन सकता हूं, पार्ट टाइम में करना क्या होगा, साल में आपकी 4-5 बोर्ड मीटिंग्स होनी है, 5-6 हो जाएंगी मैक्सिमम, और कितनी कर लोगे, उन मीटिंग्स में मैं आया करूंगा और आके अपनी लीगल ओपिनियन दिया करूंगा, क्योंकि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूं और आप मुझे अप्रोच करो तो कोई बात नहीं, मुझे सेटिंग फीस दे देना एंड आई विल गिव माय लीगल ओपिनियन टू यू ऑन वेरियस मैटर्स। तो ये अब ऐसे जो डायरेक्टर्स हैं, मान लो राम जेठमलानी को आपने किसी या किसी और फेमस लीगल एक्सपर्ट को आपने अपनी कंपनी में डायरेक्टर लीगल की पोस्ट दे दी, तो जाहिर, लेकिन अब ये वाला पॉइंट समझो आप, 6 पॉइंट, बोर्ड इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, वो कह रहे हैं जो बोर्ड लेवल के ऊपर खासकर जो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स आप अपॉइंट कर रहे हो उनको थोड़ी इंडक्शन करवाओ, उनको कंपनी से मिलवाओ, कि उनको ये भी समझाओ कि कंपनी है क्या हमारी, ये नहीं कि आपकी सिर्फ लीगल ओपिनियन लेने के लिए ही आपको रखा है, आप हमारी कंपनी को भी तो देखो, कंपनी है क्या, कंपनी काम क्या करती है। बहुत एक्चुअल में दिक्कत है ये कि जो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं उनको कुछ पता ही नहीं होता कंपनी के बारे में, वो जस्ट फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए कंपनी के पार्ट टाइम डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, उनको पता नहीं कि कंपनी किस बिजनेस में है, उनको पता नहीं कंपनी क्या काम करती है, वो सोचते हैं हाँ हमसे कोई ओपिनियन मांगोगे तो हम अपनी ओपिनियन दे देंगे। बट ये रोल थोड़ी है आपका, आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए सब कुछ कि कंपनी क्या काम करती है, किस बिजनेस में है, क्या मैन्युफैक्चरिंग में तो क्या क्या चीजें मैन्युफैक्चर करती है, किस किस बिजनेस में है। तो वही बात बोल रहे हैं बोर्ड इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, कि बोर्ड को इंट्रोड्यूस करो सारी कंपनी से, और जो कंपनी ऐसा कर रही है वो क्या है, इट इज अ मतलब इट इज एन एलिमेंट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन देयर पार्ट। बोर्ड इंडिपेंडेंस बताने की जरूरत नहीं कि हाँ कंपनी के बोर्ड पे सफिशियंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, और जो जो लॉ में रिक्वायरमेंट है कम से कम उतने तो हो, लेकिन अगर आप उससे भी ज्यादा रख रहे हो तो ये और अच्छी बात है, एंड इट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बोर्ड मीटिंग्स लास्ट में बता दिया था कि साल में कम से कम 4 तो होनी ही चाहिए, बट सिर्फ 4 कर रहे हो तो मतलब आप लकीर के फकीर हो कि जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके दे रहे हो, बट एज एंड व्हेन द नीड अराइजेस अगर आप तब बोर्ड मीटिंग्स करते हो ये अच्छी बात है, एंड दिस इज अ गुड प्रैक्टिस एंड इट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोड ऑफ कंडक्ट सेम वही बात, अच्छा ये कोड ऑफ कंडक्ट की जो बात कर रहे हैं ये अगर आपने पढ़ो ना एक सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, जब आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ी होंगी उसमें रेगुलेशन नंबर 17 जो मैंने लास्ट से भी पूछी थी आपसे, जो आपने फिर बाद में बोला तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है ना, उसी में ये पॉइंट भी था कोड ऑफ कंडक्ट। आप ध्यान नहीं होगा आपको या भूल भाल की होगी वो अलग बात है, ये कोड ऑफ कंडक्ट वो वाले कोड ऑफ कंडक्ट की बात नहीं कर रहे जो आप लोगों के ऊपर लगा करेगा, एक हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके नोटिस बोर्ड वगैरह पे लगा होता है, वो मिडल मैनेजमेंट प्लस लोअर लेवल मैनेजमेंट उनके लिए होते हैं, जैसे जो आप जो कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ पोस्ट विच फॉल्स इन मिडल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या एक अच्छी मिडल मैनेजमेंट भी एक अच्छी पोस्ट है कंपनी सेक्रेटरी, तो उनके ऊपर एक कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, बट ये कोड ऑफ कंडक्ट कंपनी बनाती है इंटरनली बनाती है कि हाँ हम ये, सुना तो होगा कभी कि ये नहीं करना, कंपनी के अंदर बिहेव कैसे करना है, ये एक नॉर्म्स बने होते हैं और पूरे डिटेल नॉर्म्स होते हैं लंबे चौड़े, लेकिन समराइज वे में उसको एक नोटिस बोर्ड में लगा देते हैं कि दिस इज द कोड ऑफ कंडक्ट, फीमेल के साथ
मेल एम्प्लॉयज मिसबिहेव नहीं करेंगे या कंपनीज के अंदर ये सब काम करना अलाउड नहीं है, अपना इंटरनल पर्सनल काम करना कंपनी के अंदर अलाउड नहीं है, ज्यादा ये हमारे क्लाइंट्स को सॉलिसिट करना, समझते हो, जैसे कि हमारे क्लाइंट्स हैं, आपने उनका आपके पास उनका नंबर आ गया, आप उनका नंबर लेके उनका पर्सनल यूज कर रहे हो, वो नहीं करना। जैसे एक पिक्चर थी रॉकेट सिंह, रणवीर कपूर की स्टार्टिंग एज में, बड़ी मतलब अच्छी मूवी थी वो, उसमें यही था कि रणवीर सिंह ने उस ऑफिस के अंदर अपना एक इंटरनल ऑफिस खोल दिया था और वो देखा जाए गलत कर रहा था, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन, कि वो ऐसा अलाउड नहीं होता, बट वो तो मूवी के वे में दिखाना था, अच्छी मूवी थी। तो ये सब चीजें होती है, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट वो होता है जो आप लोगों के ऊपर लगेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लस लोअर मैनेजमेंट। लेकिन यहां जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात आईसीएसआई कर रहा है वो इस वाले की बात नहीं कर रहा, इसकी भी कर रहा है, बट एट द सेम टाइम आपने रेगुलेशन नंबर 17 में पॉइंट पढ़ा था कि बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा अपने लिए भी, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए भी। आपको नहीं याद आया, मतलब अभी तक याद आता तो हाँ हाँ कुछ तो बोल देते, नहीं याद आया। तो रेगुलेशन 17 में एक रिक्वायरमेंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही अपने लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है, और एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी अभी कंपनी का सीईओ है, जब सीईओ नहीं है तो एमडी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सीईओ और कंपनी में हो, जो भी अभी कंपनी का सीईओ है या एमडी है वो उस कोड ऑफ कंडक्ट की एनुअल कॉम्प्लायंस सर्टिफाई करके देता है कि हाँ हमारी कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उस कोड ऑफ कंडक्ट से कॉम्प्लाई किया था। अभी भी कुछ भी नहीं याद आया, अब थोड़ा बहुत तो आ गया कि हाँ ऐसा कोई पॉइंट पड़ा था, सीईओ साइन करके देगा कि हाँ वेदर ओवर कंपनी वेदर द टॉप मैनेजमेंट ऑफ ओवर कंपनी कॉम्प्लाइड विद दैट डिजायर्ड कोड ऑफ कंडक्ट और नॉट। और ये देखो बनाना भी कंपनी नहीं है, बोर्ड नहीं बनाना है, और अपने लिए ही बनाना है। ये एक यूनिक सी बात है कि आप बनाओगे और अपने लिए बनाओगे, और उसको सर्टिफिकेशन भी एक तरीके का एक टॉप लेवल का बंदा ही कर रहा है सीईओ। मतलब ये करने से कहना कि आप उसको वही बता रहे हो कि आप एथिकल बिहेवियर रखो अपना, कि खुद से झूठ मत बोलना एटलीस्ट, कि जो कॉम्प्लायंस करिए वो बताना भी, वो बात भी। और जो कंपनी के अंदर ऐसा होता है जाहिर सी बात है वो क्या है, इट इज एन एलिमेंट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन देयर पार्ट। स्ट्रेटेजी सेटिंग, मतलब बताने की जरूरत नहीं, एक कंपनी जो हर चीज स्ट्रेटेजिक वे में करती हो, कि जिसका बोर्ड मतलब हर काम करता है स्ट्रेटेजिक वे में करता है, ये नहीं कि हर बड़ी में कोई काम कर दिया, एक स्ट्रेटेजिक वे में काम करना ऑब्वियसली, तो मतलब इट इज एन एलिमेंट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन योर पार्ट। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, ऑल्दो थोड़ा हटिया एग्जाम्पल है, टाटा स्टील जो है, अरे टाटा स्टील की अगर आपने सुनो, उसकी बिगेस्ट एक्विजिशन जो टाटा स्टील कंपनी ने करी थी, किसकी करी थी, एक और स्टील बड़ी बहुत बड़ी स्टील कंपनी जिसको टाटा स्टील ने एक्वायर किया था, कोरस स्टील, टाटा कोरस। ये बहुत बड़े इनफैक्ट हमारे पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात थी कि टाटा ने कोरस को एक्वायर किया। उसकी वजह बताता हूं, क्योंकि टाटा ने जिस टाइम ये एक्विजिशन करी थी ना, उस टाइम पे अच्छा दोनों स्टील कंपनीज हैं, टाटा स्टील कोरस स्टील, वो यूरोपियन कंपनी कोरस स्टील। उस टाइम पे जब ये एक्विजिशन हुई थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अक्रॉस ऑल द स्टील कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड टाटा स्टील 32nd, 33rd नंबर पे आती थी, पूरे स्टील पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में नहीं, इंडिया में तो बहुत अच्छे लेवल पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड 32nd, 33rd नंबर पे आती थी, और कोरस जो है कोरस अभी 5th नंबर पे। और मैं उल्टा नहीं बोल रहा कि कोरस ने टाटा को एक्वायर किया, टाटा एक्वायर्ड कोरस, मतलब 32वें, 33वें लेवल की कंपनी ने 5th लेवल की कंपनी को एक्वायर किया। ये हिम्मत रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड इस टाइम में मिस्टर रतन टाटा यूज टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ टाटा स्टील, पूरे टाटा ग्रुप के मेन चेयरमैन वो थे। तो मिस्टर रतन टाटा के लिए कहा जाता था कि बहुत बड़ी एक्विजिशन करने वाले हैं, और जब ये प्लान उन्होंने अनाउंस किया था अपना कि हाँ टाटा स्टील इज इन टॉक्स टू एक्वायर कोरस स्टील, उस टाइम पे अखबारों में ही आता था, मैं जो बताना चाह रहा हूं कि ये स्ट्रेटेजी सेटिंग, एक टर्म होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि आप पढ़ ही नहीं पाए क्योंकि आपके पेपर में ये पोर्शन ही नहीं था, जो आप अभी बता रहे हो कि एफएम का पेपर, क्योंकि एफएम का पेपर में यही है, उसका पूरे पेपर का नाम है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो आपको भी पढ़ाया जाता है ये, बट लेकिन बल्कि अच्छी बात भी है बुरी बात भी है। अच्छी आपके उस सेंस में कि पढ़ना नहीं पड़ा, बुरी है कि अच्छा पेपर रह गया, हटना था तो कुछ और हटा देते, ये अच्छा पेपर था एक तो। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा टॉपिक है, और एसएम भी बड़ा अच्छा है, मतलब बिजनेस को अगर जानना है कि बिजनेस कैसे होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द बेस्ट पेपर फॉर इट। चलो जो भी है, आपका हट गया तो हट गया, आपको क्या। तो स्ट्रेटेजी, इसके अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट
एक टर्म बहुत फेमस होती थी, होती है, और अखबारों में ही आने लग गया था जब रतन टाटा ने ऐसी अनाउंसमेंट करी थी कि वी आर इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग कोर स्टील. तो ये कहते थे कि टाटा स्टील इज नॉट टेकिंग अ गुड डिसीजन, और रतन टाटा जो है वो उन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर रहे, मतलब ये ही इज नॉट मैनेजिंग द थिंग्स इन अ स्ट्रेटेजिक वे. एक बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं जो कि गलत है, गलत स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर रहे हो, मतलब गलत डिसीजन ले रहे हो बिजनेस ओरिएंटेड वे में, गलत डिसीजन है. क्यों ऐसा बोलते थे? क्योंकि अच्छा जाहिर सी बात है, आप 30th लेवल पे भी हो, 30th लेवल की कंपनी 5th लेवल की कंपनी को एक्वायर कर रही है, ये नहीं कहते थे कि एक्विजिशन के बाद गलत होगा कुछ. बिल्कुल, कि आप इतनी बड़ी कंपनी को अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो ऑब्वियसली फ्रूटफुल रिजल्ट्स तो आएंगे, नो डाउट, क्योंकि इतनी बड़े ग्रुप को आप अपने अंडर ले आए हो, नो डाउट. बट ये ट्रांजेक्शन को करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होगा और ह्यूज फंड्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर इट. और ये एस्टिमेट कहा जाता था कि, और एक्चुअली में मिस्टर टाटा स्टील ने या मिस्टर रतन टाटा ने टाटा स्टील के बिहाफ पे इतनी बोरिंग्स करी भी थी, ये एक्चुअल में डेटा मार्केट में था कि मोर देन 30,000 करोड़ रुपीज मिस्टर रतन टाटा ने डेट फॉर्म में बोरो किए थे जस्ट टू डू दिस ट्रांजेक्शन. 30,000 करोड़ से भी ज्यादा डेट फॉर्म में बोरोइंग करी थी टू कंप्लीट दिस ट्रांजेक्शन, कोरस स्टील को एक्वायर करना. और उसके अलावा और भी अलग बोरिंग, मतलब ये तो डेट फॉर्म में था, इक्विटी रूट के थ्रू अलग आपने पैसा रेस किया था अलग तरीके से, कि जस्ट टू एक्वायर कोरस स्टील, मतलब बहुत बल्क में पैसा लगाया था इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए. इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता कि यहां अच्छी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं है, अच्छे से स्ट्रेटेजी सेट नहीं करी आपने. क्यों? यही एनालिसिस होता था अखबारों में कि नो डाउट इस ट्रांजेक्शन को करने के बाद अच्छे रिजल्ट आएंगे टाटा स्टील के लिए. बट एक टर्म समझते, जेस्टेशन पीरियड, सुनिए कभी, जेस्टेशन पीरियड क्या मतलब? जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि एक आपने कोई बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करते ही तो आप प्रॉफिटेबल हो नहीं जाओगे, एक स्टेज ऐसा है कि जब आप लॉसेस में होगे, पहले शुरुआती की 2-3 साल तो ऐसे ही रहते हैं जब आप लॉस करते हो, फिर एक धीरे धीरे एक लेवल आता है व्हेन यू अचीव द ब्रेक इवन लेवल, कि नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर एक स्टेज आती है जब आप प्रॉफिट मेकिंग हो जाते हो. तो जब तक आपकी प्रॉफिट मेकिंग स्टेज पे आप नहीं आते तब तक बोलते हैं आपका जेस्टेशन पीरियड चल रहा है, कि इट इज अ जेस्टेशन पीरियड फॉर यू, अभी आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो. ये कहते थे कि टाटा स्टील के लिए इस ट्रांजेक्शन में जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा हो जाएगा, कि इस ट्रांजेक्शन से बेनिफिट आएंगे लेकिन वो इतने 15-20 साल तो इस कर्जे को चुकाने में निकल जाएंगे जो टाटा स्टील ने लिए 30,000 करोड़ का. ये बोलते थे कि बहुत बड़े अमाउंट की बोरिंग करिए और इसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना पड़ेगा, इन कोरस स्टील से रिजल्ट्स अच्छे आएंगे बट वो सारे बेनिफिट चले जाएंगे इस बर्डन को सेट ऑफ करने में. और ये तक कहते थे कि कोई बड़ी बात नहीं है, इस ट्रांजेक्शन का बेनिफिट देखने के लिए मिस्टर रतन टाटा जिंदा भी ना रहे खुद, जो बीज उन्होंने बोया है उसका पेड़ कितना बड़ा हो गया वो देखने के लिए हो सकता है वो जिंदा भी ना रहे, क्योंकि ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं. बट मिस्टर रतन टाटा प्रूव देम ऑल रॉन्ग, और उन्होंने एक मतलब ट्रांजेक्शन करी, हाँ ट्रांजेक्शन उस टाइम सक्सेसफुल हो गई थी. अभी भी ये नहीं कहते कि अभी भी बोलते हैं कि हाँ अभी भी टाटा स्टील का जेस्टेशन पीरियड ही चल रहा है कोरस स्टील को लेकर, अभी भी बोलते हैं क्योंकि हाँ टाइम लगेगा. बस स्टिल मिस्टर रतन टाटा ने जब उनके अगेंस्ट ना एक मतलब वो चल गया था कि क्या कहते हैं उसको, मतलब एक शो सा चल गया था कि हर दिन यही न्यूज आती थी कि टाटा स्टील गलत कर रही है, टाटा स्टील ये कर रही है, मिस्टर रतन टाटा टुक अ रॉन्ग डिसीजन इन हिज लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने पर्सनल ईगो के चक्कर में बिजनेस को स्टेक पे लगा दिया, ये सब बोलते थे. तो बीच में फिर मिस्टर रतन टाटा उठ के आए कि भाई तुम ज्यादा ही कुछ बोले जा रहे हो मेरे बारे में, और एक्चुअली उन्होंने उस गुस्से में आके एक बहुत फेमस लाइन बोल दी जो कि एक अपने आप में कोट बन गया उनका और बहुत फेमस. क्या उन्होंने कहा कि बाबा यू आर क्रिटिसाइजिंग मी ऑन दिस थिंग ना, दैट दिस इज नॉट अ राइट डिसीजन. उन्होंने कहा आई नो, और एक लाइन बोली आई डोंट टेक राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड आई मेक देम राइट. ये बहुत फेमस एक लाइन बन गई कि भैया मैं आई नो दैट आई एम नॉट आई डोंट टेक राइट डिसीजन एट ऑल, कि सही फैसला तो हर बंदा लेगा, जिसको दिख रहा है ये अच्छा फैसला है वो तो हर कोई ले लेगा, मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम है फैसला लेना और फैसला लेकर उसको ठीक बनाना, वो मैं कर लूंगा. तो मुझे मत सिखाओ कि मैं गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मैं कर लूंगा ठीक उसको अपने आप, और जो मैं कर रहा हूं वो अपनी कंपनी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में कर रहा हूं, कि मैं रहूं या ना रहूं पर मेरी कंपनी एक लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से एक अच्छी ट्रांजेक्शन करके जा रहा हूं. तो फिर अपने आप में मतलब वही सो सनार की एक लोहार की वाली बात है, सब चुप हो गए उनकी एक बात पे कि हाँ यार ये बंदा है ही ऐसा, कि एक लाइन में सबको चुप करा गया. एंड दिस इज द आर्ट, यही एक बंदे के अंदर हुनर होना चाहिए,
सभी तो इतनी फेमस पर्सनैलिटी है आज की डेट, अभी भी वे कितने यंग एंटरप्रेन्योर से ज्यादा उनको एक वो मिलती है कि हाँ यार ये बंदा है जो ही इज अ विजनरी. एनीवे तो भाई ये पूरी कहानी क्यों सुनाई, स्ट्रेटजी का मतलब समझाने के लिए कि हाँ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इसको कहते हैं. और ये बोल रहे हैं कि जिस कंपनी के अंदर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट अच्छे लेवल से हो रही है, जाहिर सी बात है वो कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी क्या हो रही है, अच्छे से हो रही है. और देखो फिर वही बात, अब पेपर के अंदर ही आ गया, आपने ये थोड़ी कहानी सुनानी है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में, जो मैंने सुना ये टाटा स्टील ने एक्विजिशन करी थी कोरस की, उस टाइम ये एक्विजिशन ये एलिगेशन लगती थी. पेपर में कुछ नहीं लिखना, पेपर में तो जितना यहां लिखे उतना ही लिख के आना आपने, दो लाइन है दैट्स इट. बट ये तो आपकी नॉलेज के लिए कि एक प्रैक्टिकल वे से आपको समझाने की, क्लासरूम का ऑब्जेक्टिव ही यही है हमारा कि बस आपको प्रैक्टिकल वे से समझा सके कि यहाँ की किस तरीके से इंडस्ट्री में चीजें चल रही हैं और कैसे आपको आगे जाके आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी. पेपर पास करने के लिए तो ये मोर देन सफिशियंट है, दैट्स इट. अगला बिजनेस एंड कम्युनिटी ऑब्लिगेशन, बताने की जरूरत नहीं. आईसीएसए ने भी अपनी डेफिनेशन में लिखा था कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है, कम्युनिटी ऑब्लिगेशन मतलब आप सोसाइटी के प्रति कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम कर रही है लीगली भी और वॉलंटरली भी, ऑब्वियसली अगर ऐसा कर रहे हो तो यू आर डूइंग अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिपोर्टिंग, अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिपोर्टिंग, मतलब फाइनेंशियल ऑपरेशन को तो भूल जाओ, रिपोर्टिंग पार्ट पढ़ लो, पढ़ के समझ आ जाएगा. द रिपोर्ट्स एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव बट नॉट, बस इतना ही पढ़ लो, उसके आगे की तो लंबी चौड़ी बात. क्या मतलब, टॉप लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग की जाती है ना, इस बात को समझना भी आप, टॉप लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग की जाती है, जनरली हम बोलते हैं पॉलिसी मेकिंग का काम होता है बोर्ड का, बोर्ड का काम होता है पॉलिसी बनाना कि हमने पॉलिसी बना दी, उसकी इंप्लीमेंटेशन लोअर मैनेजमेंट करती है, कि जो लोअर मैनेजमेंट भी क्या सीईओ वगैरह जो होते हैं वो लोअर का पार्ट नहीं है बट मिडल से ऊपर है और टॉप से नीचे है, टॉप में जनरली बोर्ड को ही कंसिडर करते हैं. तो पॉलिसी बनाने का काम होता है बोर्ड का, उसकी और इंप्लीमेंटेशन का हेड कौन होता है सीईओ, और एक्चुअली में एग्जीक्यूट कौन करता है लोअर और मिडल, उनका काम होता है. तो जब पॉलिसी बनाई जाती है, पॉलिसी जनरली बनाई जाती है बोर्ड मीटिंग्स में, कि बोर्ड मीटिंग्स में सारे डायरेक्टर्स मिलते हैं और फैसले लेते हैं कि हाँ क्या करना चाहिए, आगे का आगे क्या विजन क्या है, क्या काम करना है. और बोर्ड मीटिंग्स में जो फैसले लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिडल मैनेजमेंट एंड, यहाँ मतलब मिडल और टॉप मैनेजमेंट में जो लोग आते हैं कि सीईओ वगैरह या जो मिडल मैनेजमेंट के लोग हैं वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, और उन रिपोर्ट्स की हमारा पिछले साल सेल्स का डेटा कितना था, इसकी रिपोर्ट्स आगे का सेल्स का फोरकास्ट क्या लग रहा है हमें, कितना उसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में कि कितना हमें लग रहा है कि सेल्स बढ़ेंगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा कितना होगा, हमारे राइवल्स का कितना होगा, सारी चीजें बता के. अब सोच के देखो ये रिपोर्ट्स ही अगर गलत हो, ये रिपोर्ट ही अगर गलत सौंपी जा रही है बोर्ड्स को बोर्ड मीटिंग्स में, तो इन्हीं रिपोर्ट्स के बेसिस पे बोर्ड अपनी पॉलिसी बनाएंगे, वो पॉलिसी पूरी गलत बन जाएगी. यही बात बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि जो ये रिपोर्ट्स होती हैं फाइनेंशियल ऑपरेशनल लेवल की रिपोर्ट्स, ये ठीक होनी चाहिए, एट द सेम टाइम ये टाइमली मिल जानी चाहिए बोर्ड को. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा कहानी निकल गई और अब जाके रिपोर्ट सबमिट हो रही है. इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही है वो इन्फॉर्मेशन दैट मस्ट बी करेक्ट. एट द सेम टाइम दीज रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड ऑन अ टाइमली बेसिस, कि टाइम से बोर्ड को नजरों में डाल दो कि क्या बात है. ऐसा ना हो कि कुछ अच्छा करा जा सकता था बट वो नहीं कर पाए क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम. और कोशिश करना कि वो रिपोर्ट ठीक हो, उसके अंदर जो फिगर्स आप लिख रहे हो वो गलत ना हो, क्योंकि पूरी पॉलिसी उनके बेसिस पे बनेगी, तो और गलत बनेगी तो सबको सफर करना पड़ेगा. तो वही बात बोल रहे हैं कि हाँ जिस कंपनी के अंदर ये रिपोर्टिंग नॉर्म्स अच्छे हैं कि हाँ रिपोर्ट अच्छे से बनती हैं, करेक्ट बनती हैं, टाइमली बनती हैं, तो जाहिर सी बात है उन कंपनीज के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लेवल भी क्या है अच्छा. मॉनिटरिंग द बोर्ड परफॉर्मेंस, फिर मैं एक बात बोलूंगा, रेगुलेशन 17, इस रेगुलेशन 17 में आपने एक और टॉपिक पढ़ा था परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर्स, जो लोग मतलब कुछ तो हाँ बोल देते अगर सुना होता तो, भूल गया बिल्कुल. एक टॉपिक रेगुलेशन 17 बहुत बड़ी रेगुलेशन थी, रेगुलेशन 17 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, उसमें पॉइंट था परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर्स. नाम से पता लग रहा है वैसे तो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर्स क्या मतलब, डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, और कौन करते नहीं डायरेक्टर्स देमसेल्व्स,
होता है, रेगुलेशन 17 में एक रिक्वायरमेंट थी जो आप बोल रहे हो वो भी होता है कि नॉमिनेशन रेमुनेशन कमिटी भी करती है, बट वो रेगुलेशन 17 में नहीं लिखा हुआ, वो तो नॉमिनेशन रेमुनेशन कमिटी का काम है। मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ कि रेगुलेशन 17 में क्या लिखा था। रेगुलेशन 17 क्योंकि आपने शायद भूल गए हो या शायद सिलेबस में आपके जहां से पढ़े हो वहां ना पढ़ाए हो, वो अलग बात है। रेगुलेशन 17 में बात दी हुई है क्या कि सारे डायरेक्टर जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को सारे डायरेक्टर्स इवेल्यूएट करेंगे, और ये दिया हुआ है कि अच्छा ओवरऑल मैं दो पार्ट्स में अगर क्लासीफाई करूं डायरेक्टर्स को, एक तो ठीक है कि पार्ट टाइम फुल टाइम है, ये भी तो कह सकता हूं एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होंगे और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होंगे, मतलब कोई ना कोई एक कंपनी के बोर्ड पे 12 डायरेक्टर्स हैं, 12 में से कोई भी उठा लो वो या तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा या नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कोई तीसरी कैटेगरी आ जाएगी। हाँ पार्ट टाइम है, फुल टाइम तो हो नहीं सकता अगर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट में तो पार्ट टाइम ही होगा, इसमें है तो पार्ट टाइम भी हो सकता है फुल टाइम भी हो सकता है ना। अब देखो क्या रेगुलेशन 17 बोलता था कि हर कंपनी को हर साल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करनी है अपने डायरेक्टर्स की, और किस तरीके से होगी, इन जो अब ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। सारे ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम ही होता है कि ये देखना कि जो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक और टॉपिक होता था कि सारे जो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो सारे डायरेक्टर्स पर इवेल्यूएट करेंगे परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट वालों की। ये आपके सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि नॉन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाले की इवेल्यूएशन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वाला कर रहे हैं, इट इज मेकिंग सेंस क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम बहुत इज्जत देते हैं सम्मान देते हैं, ठीक है वो तो इट इज मेकिंग सेंस। बट लॉ ने यह भी बोला हुआ कि जो इंडिपेंडेंट नहीं है वो इवेल्यूएट करेंगे इंडिपेंडेंट वालों की, क्योंकि ये भी अपने में बहुत बड़े क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट वाला भी अपना काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि होता क्या है आजकल ये बहुत न्यूज में भी आ रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए एक पेपर हुआ करेगा, अभी सुना है अभी लास्ट मेरे ख्याल से 1.5 वीक पहले खबर आई थी कि अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है उसके लिए एमसीए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाके आप एक पेपर हुआ करेगा वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, एंड ओनली देन यू विल बी एलिजिबल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एनी कंपनी। आज की डेट में क्या हो रहा है, ऐसे लोग हैं जो कुछ नॉलेज है नहीं, नाम के लिए बैठे हैं, ठीक है थोड़ी बहुत उनको अपनी चीज की नॉलेज है बट इतनी लेवल ऑफ नॉलेज नहीं है कि कंपनी चला पाए, वो भी बन जाते हैं कि हाँ हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना लो, और कंपनीज उनको रख भी लेती है क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है, और लॉ की रिक्वायरमेंट है तो उनको रखना पड़ता है, और इस वजह से कभी कभी नॉन कॉम्पिटेंट बंदे भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाते हैं। कि सेम सीएस का हाल है, सीएस में भी होता है कि आउट ऑफ लीगल कंपल्शन कि 5 करोड़ से ज्यादा हमारी पेड ऑफ कैपिटल हो गई है रखना पड़ जाता है कंपनी सेक्रेटरी को, लेकिन उस चक्कर में कुछ कुछ ऐसे कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन ऐसा ही है, यहां तो कंपनी कभी भी कंपनी सेक्रेटरी में क्या होगा कोई सीएस ऐसा होगा जिसको बहुत अच्छी नॉलेज होगी, मतलब अगर उसका मतलब बात भी करेगा तो मजे जाएंगे बात करके कि यार क्या लीगल नॉलेज है इसकी, हर बात में सेक्शन का रेफरेंस देता है, हर बात में क्लॉजेस का रेफरेंस देता है, हर बात में किसी एक्ट का रेफरेंस देता है, ओआर ऐसा तो यूं है मतलब हर चीज में बताता है सब कुछ पता है एक मतलब ऑल दो प्रोविजन मैं बताऊं पूरे डिटेल में बट एक बेस इतना स्ट्रांग है कि हर चीज में लॉ का रेफरेंस देता है। यहां तो ऐसे होंगे कि बिल्कुल स्ट्रांग है कुछ, यहां फिर ऐसे होंगे कि बिल्कुल नहीं आता, बहुत है कंपनी सेक्रेटरी जो पढ़ के जाते हैं इंडस्ट्री में जाते हैं पता नहीं क्या होता उनको कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते अपने प्रोफेशन के ऊपर, छोटी से छोटी चीज भूल जाते हैं और वो जनरली आइडियली कंपनी से इस प्रोफेशन के लिए नहीं बने। ये प्रोफेशन ऐसे कि आपको लाइफ लॉन्ग पढ़ना पड़ेगा, किताबें हटनी नहीं है आपकी जिंदगी से बट बढ़नी ही है, ये ऐसा कोर्स है क्योंकि पढ़ना पड़ेगा लॉ में क्या अपडेशन आ रही है अमेंडमेंट्स आ रही है। अब ये थोड़ी तब क्लास में आया करोगे अच्छा अमेंडमेंट मैं छुट्टी लेके जा रहा हूं सर मैं छुट्टी लेके एक महीना मैं पढ़ने जा रहा हूं तो तब थोड़ी क्या करोगे ऐसे, तो आपको खुद एक बेस ऐसा बनाना पड़ेगा कि मैं लॉ को इंटरप्रेट कर पाऊं। तो अब कई बार इसी चक्कर में क्या होता है कि रखना पड़ जाता है कंपनी सेक्रेटरी बट वो कॉम्पिटेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट को रखना पड़ता है कि यार लॉ की रिक्वायरमेंट है रखो इस गधे को, यार इसको आता जाता कुछ नहीं है बट हमें लॉ की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि 5 हमारी पेड अप कैपिटल बढ़ गई है इसे रखना पड़ रहा है। सेम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होता है कि लॉ की रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं, वुमेन डायरेक्टर भी रखने हैं, ये दोनों में बड़ी दिक्कतें चल रही हैं कि यार इतनी सफिशियंट नंबर ऑफ वुमेन डायरेक्टर इंडिया में हो भी तो सही, सेम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इतने हो भी तो सही। इस वजह से कई बार क्या होता है जो नॉन कॉम्पिटेंट बंदे भी हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाते हैं, तो उसके एंगल से ये प्रोविजन बनाया हुआ है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो इंडिपेंडेंट है वो इनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे और जो इंडिपेंडेंट नहीं है वो इनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे, ताकि ये देखे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से भी जो हम उम्मीद कर रहे हैं ये पूरा कर भी रहे कि नहीं कर रहे, वेदर दे आर परफॉर्मिंग देयर रोल और नॉट।
अब पॉइंट पढ़ो, मॉनिटरिंग द बोर्ड परफॉर्मेंस, मतलब क्या हुआ कि जिस कंपनी के बोर्ड पे ऐसा होता है कि हाँ दोनों लेवल के जो लोग हैं वो एक दूसरे की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं ऑन अ टाइमली बेसिस, इट इज अ गुड थिंग एंड इट इज अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस. वही बात हुई है. और देखो कहने के लिए एक लाइन है, उसको समझाने में कितना कितना टाइम लग रहा है. ऑडिट कमेटी, अच्छा ये तो बताने की जरूरत नहीं, आप पढ़ चुके हो, सेक्शन 177 पढ़ते थे, इनफैक्ट सेबी एलओडीआर में भी रेगुलेशन 18, रेगुलेशन 17 के बाद जस्ट रेगुलेशन 18 आती थी, इतना तो याद है. एलओडीआर के नाम से बड़े डर से जाते हो कि ये पता नहीं था क्या एग्जीक्यूटिव में, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस कैपिटल मार्केट वाले पेपर में इतना डिटेल में होगा ये तो. हाँ क्या था, बहुत बड़ा चैप्टर था. अच्छा अच्छा भी तो था, बड़ा काम का चैप्टर था वो, तभी तो अगर वो आता होता तो अभी क्लास खत्म हो चुकी होती है आधे घंटे पहले. वो नहीं आप अच्छे से तभी तो उसको बताने में तो टाइम, रेगुलेशन 17, अगर वरना अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो मैं यही बोलता ना, अच्छा रेगुलेशन 17 में भी ऐसा पॉइंट था, आप कहते हाँ अपने आप आगे बढ़ जाती गाड़ी. तो वो इंटरेस्टिंग चीज तो है, नो डाउट थोड़ा लंबा था वो टॉपिक, बट हाँ बहुत काम का था. ऑडिट कमेटी, अच्छा ऑडिट कमेटी तो वैसे भी आपको ये तो याद ही होगा कि हाँ हर एक हर कंपनी जो एक हर कंपनी के ऊपर मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ जो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर जाए, यहाँ लिस्टेड के अंदर तो होता ही मैंडेटरी है, उसके अलावा अनलिस्टेड में अगर आप एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दो फिर आपको ऑडिट कमेटी रखनी पड़ती है. और उस कमेटी का काम क्या होता है, अकाउंट्स ऑडिट और फाइनेंस फंक्शन देखना. और जाहिर सी अच्छा ऑडिट कमेटी ही होती है जो सारे फाइनेंशियल कामों पर नजर रखती है. आप पढ़ते थे सेक्शन 188, अब बताना क्या होता था, सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट. अभी अभी भी बात कर रहा हूं, कंपनी सेक्रेटरी वो होता है जो लीगल बातें उसकी टिप्स पे हो, ये हो वो हो, पता ना इतना फेमस सेक्शन था 188, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, सेक्शन 185 लोन्स होता था, 186 जनरल लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, 187 रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. उस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में रिकॉमेंड पढ़ते थे कि एवरी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन शेल फर्स्ट बी अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमेटी. पढ़ते थे फिर एक पॉइंट आता था कि ऑडिट कमेटी अपनी ओमनीबस अप्रूवल भी दे सकती है. ये सब बातें बोलूंगा तो ये अंदर जब घुस जाते हैं तब आपको समझ आ जाता है कि अच्छा हाँ ये भी था, हाँ ये भी था, बट कोई दिक्कत नहीं. चलो यही तो काम है आपका, मतलब अब प्रोफेशनल में आने के बाद अब इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, कि रेगुलरली आपको याद रखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव में क्या पढ़ा हुआ है, क्योंकि वो स्ट्रांग हो गया तो आपका प्रोफेशनल बच्चों वाला है. ये सीएस कोर्स की एक ड्रॉबैक भी है और एक अच्छी बात भी है, प्रोफेशनल आपका मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी. एग्जीक्यूटिव आपका, मैं सच में बता रहा हूं, अपनी ओपिनियन भी और मेजोरिटी ओपिनियन भी, आपका एग्जीक्यूटिव जितना मुश्किल है ना उससे 20% लगा लो, उसका 20% है प्रोफेशनल. एग्जीक्यूटिव इतना स्ट्रांग है, मतलब उल्टा वे में बोले तो जितना प्रोफेशनल मुश्किल है उसका 5 गुना मुश्किल आपका एग्जीक्यूटिव है, इतना टफ था एग्जीक्यूटिव. और प्रोफेशनल कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है, इतने कोई हाईफाई पेपर नहीं है आपके, सिंपल सिंपल पेपर है जो कि ज्यादा आपसे डिमांड भी नहीं कर रहे. टैक्स भी देखा जाए तो टैक्स में भी एग्जीक्यूटिव वाला रिपीटेशन है. ड्राफ्टिंग में भी देखा जाए तो अभी आप लॉ पढ़ोगे लॉ रिपीट होगा. ये पेपर भी ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल की एथिक्स गवर्नेंस, सेम बस एक पेपर है सीआर जो हाँ जो थोड़ा टाइम मांगता है और जो सीखने में मजा आएगा, बाकी सारे पेपर आपके थोड़े ऐसे हैं कि इतने हाईफाई नहीं है. और वो क्यों हाईफाई नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में आपने बहुत टॉप लेवल से पढ़ा हुआ है, इतनी चीजें एग्जीक्यूटिव में डाली हुई हैं. चलो छोड़ो, तो एनीवे तो ऑडिट कमेटी का काम क्या होता था, सारे फाइनेंस फंक्शन को देखना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को अप्रूवल देना. तो जाहिर सी बात है जिस अच्छा किसी कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी रखने की भी रिकॉमेंड नहीं है फिर भी उन्होंने रखी हुई है, इट इज अ एलिमेंट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. वही हम पढ़ रहे हैं. और लास्ट में एक पॉइंट बच गया, रिस्क मैनेजमेंट. अच्छा ये इसके ऊपर तो हमारा एक पूरा पोर्शन ही है 20 मार्क्स का, तो तब हम और पढ़ेंगे. बट हाँ जिस कंपनी के अंदर रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से होता है ऑब्वियसली अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस चल. बस एक मैं 2 मिनट में छोड़ रहा हूं, बस इससे पहले जो 2 टॉपिक छोड़ा था वो देख लो एक बार, जो पहले पेज पे था ना, सेलियंट एडवांटेजेस ऑफ, इसको साइलेंट मत प्रोनाउंस करना, सेलियंट बोलते हैं सेल, मतलब बहुत लोग बच्चे होते हैं जो साइलेंट बोल देते हैं कि सेलियंट, सेलियंट एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. और एक अगला टॉपिक दिया है नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अच्छा दोनों में एक ही बात है, नीड, अच्छा इस चीज की जरूरत क्यों है और इस चीज के एडवांटेजेस क्या है, ये दोनों क्योंकि वो सारे एडवांटेजेस मिलेंगे इसे तो इसकी जरूरत है. एक ही बात है, दोनों में रिपीटेशन दी हुई है कि व्हाट इज द नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अब मैं बता रहा हूं जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड क्या है, इससे आपकी इमेज अच्छी होती है, इससे शेयर होल्डर के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बनता है. अच्छा यही एडवांटेजेस भी है कि नीड क्यों है, क्योंकि शेयर होल्डर के अंदर अगर शेयर होल्डर के दिमाग में अच्छी इमेज बनानी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस करो.
क्या जरूरत है कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्या जरूरत है कि लोग आपको अच्छी नजर से देखेंगे, यही एडवांटेज भी बन जाएगा कि आपकी गुडविल बढ़ेगी आपका, सेम वही उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके दिया हुआ है, फिर भी एक बार फटाफट से नजर मारने के लिए पढ़ लो, नीड वाला टॉपिक पढ़ लो, और बिल्कुल ऐसा ही जो आप खुद से बना के भी लिख सकते हो। लो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, अच्छा अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से कर रहे हो आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी, नो डाउट। इनहेंस इन्वेस्टर ट्रस्ट, जाहिर सी बात है शेयरहोल्डर का, शेयरहोल्डर अपना पैसा लगा रहे तो पैसा लगाने से पहले वो ये देखेगा कि इस कंपनी के अंदर, कि इस कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कैसी हैं, और अगर अच्छी हैं, इंफोसिस का एग्जांपल बार 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 बोल जिक्र किया जाता है कि इस लेवल पे तभी इंफोसिस आज है क्योंकि उसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी होती है। बेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, बताने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया तक ही नहीं इंडिया के बाहर से भी पैसा रेज कर सकते हो, बट ओनली कब, जब आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर इमेज बहुत अच्छी हो। कॉम्बैटिंग करप्शन, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस जितनी ज्यादा अच्छे लेवल पे होगी उतने आपकी कंपनी के अंदर करप्शन कम होगा, क्यों? अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इतने रखे हुए हैं आपने, ऑडिट कमिटी रेगुलरली चेक करती है, सेक्रेटेरियल ऑडिट कराते हो, तो ये सब कराने से करप्शन कुछ हो रही है कंपनी के अंदर, वो जाहिर सी बात है पकड़ में आ जाएगी। इजी फाइनेंस फॉर्म इंस्टीट्यूशन, वही बड़ी बताने की बात नहीं कि हाँ बैंक्स वगैरह आपको फाइनेंस अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे और जल्दी प्रोवाइड कर देंगे इफ यू आर गुड एट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इनहेंसिंग एंटरप्राइज वैल्यूएशन, अच्छा इसका मतलब क्या हो, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ेगी इन द सेंस कि आपका जो मार्केट प्राइस है, आपके शेयर्स की वैल्यू है वो अपने आप बढ़ेगी। अच्छा सब लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपके शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट क्राइसिस एंड स्कैंडल्स, बिल्कुल ठीक बात है कि स्कैंडल्स नहीं होंगे, स्कैम्स नहीं होंगे, तो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप रेगुलरली ऑडिट करवा रहे हो, रेगुलरली आपका जो सेक्रेटेरियल ऑडिटर है जो आप लोग बनोगे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, इंटरनल ऑडिट्स होते हैं आपके, वो कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे कि अच्छा हाँ कि गलती कुछ गड़बड़ हो रही है कंपनी में, स्कैम्स होने नहीं देंगे, स्कैंडल्स होने नहीं देंगे, तो वही बात। एंड में अकाउंटेबिलिटी, अच्छा अकाउंटेबिलिटी का मतलब बिल्कुल आंसरेबिलिटी कि हाँ अकाउंट, जैसे हम बोलते हैं कि कोई ये कहने के लिए बड़ी छोटी सी टर्म है अकाउंटेबिलिटी, बट इसका इंप्लीकेशन बहुत आगे तक जाती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही, इन हिंदी में बोले तो आंसरेबिलिटी, कि अगर लोगों के मन में डर हो ना कि यार इस काम के लिए आई एम अकाउंटेबल टू समवन, अपने आप वो बंदा काम अच्छे से करेगा, तभी हम बोलते हैं कि जैसे अगर शेयर होल्डर्स ही अगर इन्वॉल्व नहीं है कंपनी में, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ शेयर होल्डर एक्टिविज्म, आज भी बोला उस क्लास पिछली क्लास में भी बोला था, अगर शेयर होल्डर्स ही इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते तो बोर्ड लेथार्जिक हो जाते हैं, वो कहते हैं छोड़ना जब ये खुद अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हम इनका ध्यान क्यों रखें। बट अगर लेकिन अगर बोर्ड के मन में सोचे देखो ये डर रहे यार वी आर अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स, वी आर अकाउंटेबल टू अवर ऑडिटर्स, हमें उनको जवाब देना है, कुछ भी गलत हो गया तो हमारी एक आंसरेबिलिटी बनती है और हमारी एक जवाबदेही बनती है, अपने आप कुछ करना नहीं पड़ेगा, अब दे विल हैव टू रिमेन ऑन देयर टोस फॉर एवरी टाइम। तो यही बात बोल रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत क्यों है, एक अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए कि हाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखोगे तो यू आर अकाउंटेबल टू देम, शेयर होल्डर एक्टिविज्म होगा देन यू आर अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स, तो उस सेंस में दिया कि हाँ दीज आर द डिफरेंट नीड्स फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और ये हो जाएगा, यही एडवांटेजेस भी है कि ये जब अच्छा उल्टे वे में पढ़ लो आप एडवांटेजेस की फॉर्म में पढ़ लो, नीड में क्या पॉइंट्स पढ़े थे, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एडवांटेज भी बन गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी बढ़ेगी, इनहेंस इन्वेस्टर ट्रस्ट, इन्वेस्टर का ट्रस्ट हमारे ऊपर आ जाएगा, बेटर एक्सेस, वही बात है घुमा फिरा के इनडायरेक्ट वे में, क्लियर? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, आप भी टाइम ज्यादा हो जाएगा आपको, ठीक है बाकी चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, चलो थैंक यू।